हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का एडी परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से ज्वाइन करें क्लास को, फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसे कि आपको देख पा रहा है थंबनेल में कि 100 क्वेश्चन आज का जो टारगेट रहेगा हमारा। ठीक है, सभी लोग ज्वाइन कर लें क्लास को फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सेशन को फटाफट से। चलिए, आवाज आवाज सब क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑल परफेक्ट। चलो, देखिएगा, पहला इस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सभी लोग जुड़ जाएं फटाफट से और फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं सर क्वेश्चन सीरीज। 100 क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, चलिएगा, बिल्कुल कहीं जाना नहीं है, बिल्कुल अपना परफेक्ट। खाना पीना साथ में रखो और फिर करते हैं शुरुआत। इन विच टाइप ऑफ बॉन्ड द हेडर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। बिना देर करते हुए बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। आप जरूर शेयर कर दें क्लास को एक बार और फिर हम कर देते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। कर चुका हूं मैं स्टार्ट। चलो फटाफट से जवाब भी करते रहें, क्योंकि जल्दी जल्दी करोगे तो जल्दी जल्दी फिर सोना भी है ना सोने का भी डर होगा ना कि सर जल्दी सोना है, आजकल संडे है सर। चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे पहला जवाब आया है ग्रिया जी का, वेरी गुड। फ्लेमिश बॉन्ड कह रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमावदार किया गया है क्वेश्चन में, घुमावदार बैंड दिया है। वेरी गुड, फ्लेमिश बॉन्ड है। चलिएगा, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पर, बिल्कुल बिना देरी करे हुए एक्सप्लेनेशन पर जा रहे हैं। देखिएगा, इन द फ्लेमिश बॉन्ड द हेडर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। इवनली का मतलब समान रूप से, एंड हैंस इट क्रिएट अ बेटर अपीयरेंस देन द इंग्लिश बॉन्ड। ऑब्वियसली आपने देखा होगा, कहीं पर कोई मैसनरी देखा होगा शायद, तो इसका अपीरियंस जो है दिखने में ज्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू अदर बॉन्ड, खासकर इंग्लिश बॉन्ड से तो काफी बढ़िया लगता है। ठीक है, दूसरी बात बोल रहा है, इन फ्लेमिश बॉन्ड इन एवरी कोर्स द हेडर एंड स्ट्रक्चर आर प्लेस्ड अल्टरनेटिवली हियर द क्वाइन क्लोजर। ठीक है ना? चले, द क्वीन क्लोजर, क्वाइन क्लोजर, क्वीन क्लोजर इज पुट नेक्स्ट टू द क्वीन हेडर इन अल्टरनेटिव कोर्स टू डेवलप द फेस लैप। चलिएगा, तो फाइनली आपका जवाब मिल चुका है, फ्लेमिश बॉन्ड। चलिएगा, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, द नेट शेप बियरिंग कैपेसिटी इज डिफाइंड द। ठीक है ना? बोलो जवाब करते हैं यहां पर, जल्द क्लास को जरा एक बार शेयर कर दे भाई। नेट शेप बियरिंग कैपेसिटी इज डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब कि जब आप नेट शेप बियरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करते हैं, वो पूछा गया। नेट शेप बियरिंग कैपेसिटी क्वेश्चन रहेंगे आपके मॉडरेट से लोअर, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है आज भी, लोअर से मॉडरेट लेवल के हैं, तो आप फटाफट से आंसर करें। बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको देखा जाए तो आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, बहुत लोग जवाब सही कर रहे हैं। देखिएगा, यहां पर देखना आपको जल्दी से, क्यू एन एस पता है क्या किसी को, क्यू एन एस निकालते कैसे? एक्चुअली मैं बता देता हूं यहां पर, एक सेकंड, क्यू एन एस निकालते कैसे हैं उसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूं। देखिएगा करना क्या होता है यहां पर, देखिएगा, क्यू एन एस नेट से बियरिंग कैपेसिटी दिस इज इक्वल टू क्यू एन एफ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये होता है आपका फॉर्मूला, जिसके अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन जो है कंप्लीटली सही हो जाएगा, है ना? ए ऑप्शन कंप्लीटली सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इन जनरल सीयर फेलियर कंटिन्यूअस फेलियर, मतलब कि इन जनरली जो जनरल सीयर फेलियर है, यहां पर बोला गया है इन जनरल सीयर फेलियर, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें पहले, तो क्वेश्चन है इन जनरल सीयर फेलियर कंटिन्यूअसली फेलियर इज डेवलप्ड बिटवीन द, जो कंटिन्यूअसली सीयर कंटिन्यूअसली फेयर सॉरी फेलियर इज डेवलप्ड बिटवीन दी ये पता नहीं कि यार, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है क्यों रोटेट कर रहा है आज इतना। ठीक है, कंटिन्यूअस फेलियर इज डेवलप्ड बिटवीन दी, क्यों क्यों करेगा? सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस फेलियर कहां पर है बोलो? एज ऑफ द फुटिंग एंड ग्राउंड सरफेस। तो आप जवाब करोगे यहां पर एज ऑफ द फुटिंग एंड द ग्राउंड सरफेस।
तो बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फटाफट से आप जवाब करें। क्वेश्चन नंबर 5, लोकल सीयर फेलियर एसोसिएटेड विद दी सॉइल हैविंग, बोलिएगा। एक्चुअली में आपने जब फाउंडेशन पढ़ा होगा तो वहां पर हम फेलियर भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। लोकल सीयर फेलियर, जनरल सीयर फेलियर, पंचिंग सीयर फेलियर, तीन तरह का फेलियर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो लोकल सीयर फेलियर इज एसोसिएटेड विद द, बोलेगा, हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई पोर प्रेशर, लो पोरोसिटी या लो कंप्रेसिबिलिटी। तो आप जवाब करोगे यहां पर कि सर ये हो जाना चाहिए आंसर। अगर आप थोड़ा सा हिंट दे देते हमें तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जरा देखिएगा ध्यान से। लोकल सीयर फेलियर अकर्स इन सॉइल हैविंग द हाई कंप्रेसिबिलिटी, जहां पर कंप्रेसिबिलिटी होगी ज्यादा, लोकल सीयर फेलियर वहीं पर देखने को मिलेगा। एंड इन सैंड हैविंग द रिलेटिव डेंसिटी लेइंग बिटवीन 32 से 70%। दो जगह पर आपका लोकल सीयर फेलियर दिखेगा, एक वहां पर जहां पर हाई कंप्रेसिबिलिटी होगा सॉइल का, और दूसरा सैंड में होगा जब उसकी रिलेटिव डेंसिटी 35 से 70 के बीच में होगा। तो आप जवाब कर दो यहां पर, क्या दिक्कत है। आपका जवाब हो गया एक सेकंड में ए ऑप्शन, वेरी गुड, ए ऑप्शन हो जाएगा कंप्लीटली सही, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर कर रहे हैं, देखिएगा। वेरी गुड, करण जी लाइव है। हाँ बहुत बढ़िया भाई, और कौन कौन है। रोटेट नहीं हो रहा है वो उस तरह से उसको मॉडिफाइड किया गया है पीपीटी को, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, रोटेट नहीं है वो, आपके लिए वो सजाया गया है ऐसा। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, सभी लोग ज्वाइन करें क्लास को फटाफट से। 100 क्वेश्चन मतलब कि कंप्लीट पोस्टमार्टम, 100 क्वेश्चन कम नहीं होता सिविल इंजीनियरिंग में। अरे सारे सब्जेक्ट को डील करके चल रहा हूं मैं आज। मस्क जी गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो, बढ़िया है। डायनमो जी, करण जी आ गए, समी जी आ गए बेटा, रिया जी आ गए, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ द बियरिंग कैपेसिटी फेलियर वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, एक्चुअली में सभी लोगों का वैसे तो टर्जागी जी ने भी कहा है बियरिंग कैपेसिटी के लिए, बट एक्चुअली में फर्स्ट किसने क्या है, पहले जवाब आपका मिलना चाहिए कि सबसे पहले किसने कहा है, बेटा बताओ। कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ बियरिंग कैपेसिटी फेलियर वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, पहला फर्स्ट जल्दी से बोलो। फर्स्ट डेवलप्ड बाय, बोलेगा जरा फटाफट से, शेयर कर दें भाई क्लास को, ठीक है। चलो ये हो जाएगा आपका, यहां पर जरा एक्सप्लेनेशन पर जाते हैं हम, देखिएगा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ द फेलियर एनालिसिस वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय प्रांडल्ट, ठीक है, प्रांडल्ट साहब ने जो है फर्स्ट डेवलप किया था, बट बाद में लेटर एक्सटेंडेड बाय टर्जागी, मेयर ऑफ एंड अदर, ठीक है ना। तो फाइनली आपका जो पहला ऑप्शन है वो ये होना चाहिए कि टर्जागी साहब ने सबसे पहले, प्रांडल साहब ने, मतलब कि पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए बताओ, सबसे पहले किसने डेवलप करने को बोला है, फर्स्ट फेलियर एनालिसिस जो डेवलप किया है वो प्रांडल साहब ने कहा है। तो आप बोलोगे सर पहला ऑप्शन जो है ये होना चाहिए आपका कंप्लीटली सी ऑप्शन, ठीक है ना, सी ऑप्शन, ओके। चलो आगे बढ़ रहे हैं, चले गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। लोकल सीयर फेलियर जनरली अकर्स, अभी जस्ट पहले आपको बताया भी था कि जो लोकल सीयर फेलियर है जनरली कहां पर जो है डेवलप करता है, जनरली कहां पर अकर करता है। जिन लोगों ने फाउंडेशन पढ़ा उनके लिए सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ा होगा जिन्होंने। तो लोकल सीयर फेलियर जनरली अकर्स इन द, तो लोकल सीयर फेलियर कहां पर होता है जी, हाँ तो ये बोलोगे आप कहां पर जी, फटाफट से जवाब करें। तो लोकल सीयर फेलियर अकर्स इन दी, कहां पर करेगा, नहीं बताओगे, कहां पर होगा, लूज सैंड में, कहां पर होगा, सी ऑप्शन, वेरी गुड, लूज सैंड, हाई कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट करते हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
प्योरली कोहेसिव सॉइल एनसी हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, एनसी का जो मैक्सिमम वैल्यू रहता है वो कितना जाता है फॉर प्योरली कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल आपका प्योरली है, एनसी हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कितना रहेगा आपका प्योरली, बोलो फॉर प्योरली कोहेसिव सॉइल एनसी हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, जवाब करो जी, क्या जवाब करोगे फटाफट से, स्क्रीन तो दिख रहा है ना आपको बढ़िया से, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन यहां पर मैं दे रहा हूं आपको, देखिएगा एक्सप्लेनेशन में आपको दिख रहा है अकॉर्डिंग टू दी स्कैम्पटन्स ऑब्जर्वेशन फॉर प्योरली कोहेसिव सॉइल फाइ इज इक्वल टू जीरो, ऑब्वियसली आप जानते हैं कि जब प्योरली कोहेसिव सॉइल होता है तो कोहेसन तो मैक्सिमम होता है सी, बट फाइ जीरो हो जाता है, एनसी हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन 9 फॉर द स्क्वायर और सर्कुलर फुटिंग, ठीक है स्क्वायर सर्कुलर फुटिंग सबके लिए आपका हो जाएगा आंसर, हो जाएगा आपका कंप्लीटली आपका आंसर हो गया डियर स्टूडेंट, कौन सा बोलो 9 सी ऑप्शन, ठीक है सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही हो जाएगा, ठीक है आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब करें फटाफट से, तब तक आप जवाब करो जरा धनाधन करके, चलो फटाफट जवाब कर लो भाई तब तक आप लोग ना, क्वेश्चन नंबर 9 आठवां हो चुका है ना, आठवां क्वेश्चन अच्छा हो चुका है ये, चलिएगा 9 वाला क्वेश्चन है आपका, 9वां क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ द एक्टिव अर्थ प्रेशर इज लेस देन मोर देन, जल्दी से बताएगा एक्टिव अर्थ प्रेशर का क्वेश्चन है, जरा जवाब करें जरा फटाफट से, आप जवाब करो जरा थोड़ा सा जल्दी जल्दी से, ठीक है क्या हो जाएगा, जानते हैं यार आप, लेस देन होता है कम होता है, वेरी गुड, तो सबसे कम होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, सभी लोग एक बार शेयर कर दें भाई, ठीक है आगे बढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट, द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ बिल्कुल सही बात है, द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर द अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज द, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर द अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, रेस्ट कंडीशन में है तो अर्थ प्रेशर डायग्राम, वैसे भी आप जानते हैं इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं थी, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो बनता है वो कैसे बनता है, चलो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं यहां पर, द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर द अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, दिस इज द ट्रायंगुलर, दिस इज द ट्रायंगुलर, इफ द रिटेनिंग वॉल हैज अ हाइट ऑफ एच देन द प्रेशर ऑफ द बेस ऑफ द वॉल इज के नॉट गामा एच, कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट ध्यान से देखो इधर क्या बोलना चाह रहा हूं, ये है तुम्हारा हाइट एच का वॉल का, तो यहां पर प्रेशर जीरो होगा टॉप पे और ये बढ़ता जाएगा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां पर बेस पर जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है गामा एच होता है और इसमें एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट को जोड़ दो मल्टीप्लाई कर दो है ना, तो फाइनली आप बोलोगे कि यहां पर सर सबसे ज्यादा मतलब कि ट्रायंगुलर नेचर होगा इसका, ये बी ऑप्शन सब लोगों का सही हो गया, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो हैं आज नए हैं भाई, ठीक है इसलिए ध्यान से देखना, जो रोजमर्रा के जीवन में हम करते हैं उससे बिल्कुल थोड़ा अलग है, क्वेश्चन नंबर 11 आप जवाब करें कि फॉर म्यू इज इक्वल टू 0.3 व्हाट विल बी द के नॉट, के नॉट का मतलब शायद समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो मैं समझाता हूं आपको, म्यू का मतलब तो होता है पॉइजन रेशियो, बखूबी से आप समझते हैं म्यू का मतलब है पॉइजन रेशियो, और के नॉट का मतलब है अर्थ प्रेशर कॉफिशियंट एट रेस्ट कंडीशन, अर्थ प्रेशर कॉफिशियंट एट रेस्ट कंडीशन, अलग अलग अर्थ प्रेशर कॉफिशियंट होते हैं, एक केपी होता है, के होता है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन, अर्थ प्रेशर एट एक्टिव अर्थ प्रेशर कॉफिशियंट, अलग अलग हैं, तो चलेगा जवाब करें जरा फटाफट से, जवाब करें डियर स्टूडेंट फटाफट से बोलो क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब करें। एलन मस्क जी भी यहां मौजूद हैं। चलो जी बोलो क्या करोगे। यहां पर देखो के नॉट का फॉर्मूला शायद आपको पता हो, म्यू अपॉन वन माइनस म्यू होता है। तो इसी को करना तो है, बस काम खत्म करो। यहां पर लो आपके लिए खीर पकाई है, खाओ इसको। नहीं पकाई है, चलो नहीं दिया इसका एक्सप्लेनेशन, चलो मैं ही कर देता हूं। यहां पर मैं कर देता हूं इसका एक्सप्लेनेशन। म्यू इज के नॉट दिस इज इक्वल टू म्यू अपॉन वन माइनस म्यू, जहां पर म्यू का वैल्यू है 0.3 अपॉन वन माइनस 0.3। इसको सॉल्व करो जरा डियर स्टूडेंट, तो आपका आंसर आ चुका है। जल्दी से जवाब करो, मतलब कि 0.3 अपॉन 0.7 आएगा ये ना, कितना आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है क्या, ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। वेरी गुड, ए ऑप्शन कंप्लीटली सही हो जाएगा ना, सभी का यही आ रहा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब करें, अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फट से जवाब करें। अ बैकफिल ऑफ अ रिटेनिंग वॉल हाँ चलिए वेरी गुड। बैकफिल ऑफ द रिटेनिंग वॉल कंसिस्ट ऑफ द गामा इज इक्वल टू 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब विच इज 6 मीटर हाई। फाइंड द लिटरल अर्थ प्रेशर पर मीटर लेंथ गिवन कोफिशिएंट ऑफ द अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन दिस इज 0.5। आप किस तरह से इसमें जवाब करोगे, बोलो किस तरह से जवाब करोगे इसमें, है क्या करना पड़ेगा इसमें बताओ, बोलो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। चलो मैं करा देता हूं आपको। देखो करना क्या है, स्ट्रेन में जब हम गामा की बात करते हैं तो डेंसिटी उसने दे रखा था आपको, गामा की बात किया जाए तो गामा उसने डेंसिटी आपको दे रखा था, है ना, एक सेकेंड हाँ, ये डेंसिटी आपको दे रखा है ऑब्वियसली, ये दिया हुआ था उसने आपको 19 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाइट का वैल्यू दिया जाए, हाई का वैल्यू देखा जाए तो 6 मीटर आपको दे रखा है। के नॉट अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट एट रेस्ट कंडीशन 0.5 दिया है, और पी नॉट की बात किया जाए तो के नॉट इंटू गामा जेड, एंड आपने रख दिया इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू रख दिया, फाइनली आपका पी नॉट जो मिल गया, ठीक है ना, आराम से कर लोगे तो 57 आपका हो जाएगा आराम से क्वेश्चन, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं था इस क्वेश्चन में, तो बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही हो जाएगा। कैलकुलेशन भी इजी थी, कैलकुलेशन भी बहुत इजी था, ठीक है चलेगा। आगे बढ़े क्या, चलो नेक्स्ट, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, क्वेश्चन आ रहे हैं अब आगे। व्हाट इज द हॉगिंग ऑफ द ज्वाइंट, ये रेल्स की बात हो रही है तो हॉगिंग का मतलब क्या होता है, शायद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो आपने पढ़ा ही होगा, बीएमडी एसएफडी का चैप्टर तो आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा ही होगा, तो वहीं से कलेक्ट है। आप बताएंगे व्हाट इज द हॉगिंग ऑफ द ज्वाइंट, डिप्रेशन ऑफ रेल एट द एंड ऑफ द ज्वाइंट, डिप्रेशन ऑफ द मिडिल पार्ट ऑफ द रेल, कोरोजन ऑफ द ज्वाइंट, स्टैगरिंग ऑफ द रेल, तो आप क्या कहोगे बोलो। क्वेश्चन नंबर 13 में नहीं कहोगे, ये पढ़ो अब, ये आपके लिए लिखा है, पढ़ें जरा ध्यान से। इन हॉगिंग ऑफ द ज्वाइंट टू रेल एंड ऑफ द ज्वाइंट गेट डिप्रेस्ड, दिस मे बी बिकॉज ऑफ पुअर मेंटेनेंस ऑफ ज्वाइंट, लूज एंड फॉल्टी फास्टनिंग ऑफ अदर सच रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है। फॉल्डिंग का मतलब है ये रेल है, देखो जरा ध्यान से, तो ये हॉगिंग का मतलब कुछ ऐसा होता है डियर स्टूडेंट, ऐसा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं आप, ये कुछ ऐसा, तो आपका कहने का मतलब है ये तो तुम्हारा हॉगिंग हो गया इस तरह से, मतलब कि ऐसा, ठीक है ना, हॉगिंग ऐसा इस तरह से, ठीक है ना, बैंड हो जाएगा मतलब, तो ये किसी भी कारण से हो सकता है, पुअर मेंटेनेंस हो सकता है या लूज फॉल्टी फास्टनिंग हो सकता है, लूज पैकिंग हो सकता है। तो आप सभी लोगों ने जवाब किया है बढ़िया से, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जवाब करें, इसका मतलब समझ गए ना आप, डिप्रेशन ऑफ द मिडिल पार्ट ऑफ द रेल, ओके, बी ऑप्शन सबका क्लियर है, वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ द गेजेस प्रेजेंट इन द इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे में कितना टाइप का गेज आपका है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें गलती ना करें, ठीक है, थोड़ा सा घुमाव गया है इस क्वेश्चन में, आवाज वाज सब बढ़िया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी तरह का, सब परफेक्ट है, चलो बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ गेजेस प्रेजेंट इन द इंडियन रेलवे, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड टू नैरो गेजेस, हम्म,
देखो होता क्या है इसमें, सब लोग आंसर थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं शायद, है ना। देखो ये तो सबको पता है कि ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज होता है, ये सबको पता है, बट ये पता नहीं है कि नैरो गेज भी दो प्रकार के होते हैं। ये सबको पता नहीं होता है, किसी किसी को ही पता है, तो कुछ लोग जो ए कर रहे हैं आंसर, कुछ बी कर रहे हैं, तो इसीलिए उनका कंफ्यूजन है। ये तो चलो एलिमिनेट हो गए, सी और डी तो बिल्कुल एलिमिनेट हो चुके हैं, बट ए और बी में कंफ्यूजन बहुत लोगों को है। तो डियर स्टूडेंट बी भी एलिमिनेट हो चुका है, क्यों? क्योंकि नैरो गेज ही दो टाइप के होते हैं इंडिया में। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा जरा आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा, क्योंकि जरूरत है, यहां पर देखिएगा ध्यान से। देयर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेजेस इन द इंडियन रेलवे, नेमली नेम के बेस पर, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड टू नैरो गेजेस, ठीक है। द साइज ऑफ दी गेजेस, ब्रॉड गेज दिस इज 1.67 मीटर और 1676, मतलब कि 1676 mm, मीटर में चेंज कर सकते हैं, और मीटर गेज 1000 mm का होता है, मतलब कि एक मीटर का। नैरो गेज भी दो अलग अलग होते हैं, एक 762 mm का, मतलब कि 0.762 मीटर का, और एक आपका 610 mm का। तो आपका कंप्लीटली सही हो गया क्या काम, वेरी गुड। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं, चलिएगा जवाब करें। ब्रॉड गेज लाइन कवर्स परसेंटेज ऑफ टोटल ट्रैक लेंथ इन द इंडिया, इंडिया में कितना ट्रैक लेंथ जो है कवर कर चुका है ब्रॉड गेज, तुरंत जवाब करें। ब्रॉड गेज बोलेगा, जरा जल्दी से जवाब करो, क्या बोलोगे, कितना कवर कर चुका है, जल्दी से देखेगा आपका एक्सप्लेनेशन आ गया। ब्रॉड गेज इज द मोस्ट प्रीडोमिनेट गेज यूज इन द इंडिया, इट कवर अ लेंथ ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 92% ऑफ द टोटल रेल रूट इन इंडिया। द इंडियन रेलवे हैज डिसाइडेड टू कन्वर्ट ऑल द एग्जिस्टिंग लाइन्स टू ब्रॉड गेज एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट यूनिगेज। ये नाम जरूर सुना होगा अपने, आपने थोड़ा सा रेलवे को पढ़ा है, तो एक प्रोजेक्ट चला है प्रोजेक्ट यूनिगेज। तो जहां जहां पर आपके नैरो गेज लगे हैं, खासकर माउंटेनियस एरिया पे, कहीं पर मीटर गेज भी लगे हैं, तो उनको सब कन्वर्ट कराने को मन इनका ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है प्रोजेक्ट यूनिगेज का। इसका मतलब ये है कि सारे जितने भी अदर डिफरेंट गेज लगे, जैसे आपके नैरो गेज लगा है, कहीं मीटर गेज, तो उनको कन्वर्ट करना है ब्रॉड गेज में इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो चलेगा, आपका ऑप्शन सही हो गया, सब लोगों ने जवाब सही किया कि मोर देन 90%, ठीक है ना, ये ऑप्शन करोगे डियर स्टूडेंट, मोर देन 90%, तो ये ऑप्शन सब लोगों का जवाब सही हो गया। आगे जवाब करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बोलेगा जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे हैज द नैरो गेज एंड स्टिल ऑपरेशनल, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे हैज द नैरो गेज एंड स्टिल ऑपरेशनल, कौन सा रेलवे गेज है जिसमें कि ऑपरेशनल काम चल रहा है, जो चेंज हो रहा है, मतलब कि जो प्रोजेक्ट यूनिक गेज के अकॉर्डिंग उसमें चेंज हो रहा है, मतलब कि नैरो गेज से आपका ब्रॉड गेज में वो चेंज हो रहा है, तो कौन सा है करंटली, अभी करंटली की बात कर रहा है, बताओ, ये तुम्हारा करंट अफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, चलिएगा तो जवाब करें। तो ये है आपका दार्जिलिंग, वेरी गुड, सब लोगों को जवाब पता है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, सबको पता था ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबको पता है, वेरी गुड, सब लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं भाई, बहुत खुशी हुई होती है मुझे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, हाउ मेनी कंस्ट्रेंट आर दियर इन द फ्री रोटेशन सपोर्ट यूज इन अ प्लेनर सिस्टम, प्लेनर सिस्टम। तो बिल्कुल ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, जरा जब दबा दम जवाब करें। हाउ मेनी कंस्ट्रेंट आर दियर इन अ फ्री रोटेशन सपोर्ट यूज इन अ प्लेनर सिस्टम, बताइएगा क्या जवाब करोगे, यहां पर प्लेनर सिस्टम की बात कर रहा है। चलिएगा जवाब करें फटाफट से, शेयर कर दें जरा जवाब, क्लियर क्रॉस कर दें। डियर स्टूडेंट यहां पर बोला गया है, जब जवाब आपसे बोला गया है प्लेनर सिस्टम, तो सब लोग जानते हैं प्लेनर सिस्टम का मतलब होता है 2D सिस्टम, टू डायमेंशनल सिस्टम, और टू डायमेंशनल सिस्टम का मतलब आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि फिक्स्ड बीम को इसके मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऐसा और ऐसा, मतलब कि तीन तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और एक मोमेंट। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए तुरंत सी ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। इफ फोर रिएक्शन आर एक्टिंग ऑन अ बीम देन द सिस्टम इज, देखिएगा अब यहां पर भाई थोड़ा सा सोचने का जरूरत पड़ेगा, अब आपको सोचो, फिर दिमाग तो है ही हमारे पास, सोचो फिर। चार रिएक्शन है,
और वो किसी बीम पर एक्टिंग हो रहा है, देन बीम को क्या कहोगे, इस सिस्टम को क्या कहोगे आप? बोलो जरा जल्दी से जवाब कर, देखते हैं कितने लोग सोच पाते हैं। आंसर को क्विकली करो भाई, क्योंकि आपके रैपिड फायर ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ज्यादा सोचने का नहीं है। हाँ, जहां पर न्यूमेरिकल पार्ट आएगा वहां पर मैं आपको समय ज्यादा दूंगा। चलो, बोल रहे हैं बी होगा, 18 में बी आया, अक्षय राणा, राधे, समी, बी ऑप्शन करें और लोग भी आंसर करें जी। बी ऑप्शन कैसे होगा जी, कैसे बोल सकते हो आप? चार रिएक्शन होगी, कैसे बोल सकते हो आप मुझे बताओ? कोई भी बी में माना सपोज, अब देखो भाई यहां पर बहुत लोगों ने गलती कर दी है, बहुत लोगों का आंसर गलती हो गई है। देखो चार रिएक्शन का, अब देखो माना सपोज दैट कोई कंटिन्यूअस बीम है, कहीं पर लिखा है क्या कौन सा बीम है? ऐसे कैसे गलती कर दे रहे हो, कहीं पर लिखा है क्या कौन सा बीम है? लो जी, माना सपोज दैट आपका क्या है, ये कोई कंटिन्यूअस बीम है, यहां पर इसने क्या कर दिया कि ये रोला लगा दिया। लो जी रोला लगा दिया मैंने, लो रोला लगा दिया, मेरी मर्जी है भाई, बीम का है तो मैं कंटिन्यूअस बीम बना दूं इस तरह से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कहीं स्टेबल दिख रहा है आपको? ये कोई स्टेबल दिख रहा है आपको? ये तो अनस्टेबल हो गया। ये कोई डिटर्मिनेट बीम है क्या? नहीं है। तो कैसे बोल सकते हो आप? कहीं से नहीं बोल सकते। सभी विद्यार्थियों का आंसर गलत हुआ है, बस एक विद्यार्थी का आंसर सही हुआ है और वो है मिस्टर गोस्वामी। बहुत खुशी हुई जी मुझे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका हो गया, कांट वी से, नहीं कह सकते हम, नहीं कह सकते हम बिल्कुल भी कौन, क्योंकि हमें सपोर्ट कंडीशन भी चाहिए और बिम किस टाइप का ये भी चाहिए। तो इस ट्रैक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है जो कि आपको जो है पागल कर देगा, ठीक है। तो पागल होने से बचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर द फ्रेम, इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर द फ्रेम, जल्दी से जवाब करें डियर स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर द फ्रेम। इसमें बस डरने का जरूरत नहीं है, बस इक्विलिब्रियम इक्वेशन बोल रहा है, देखते हैं कितने लोग जवाब। देखिएगा क्वेश्चन टफ नहीं है, बस अगर आपने लॉजिक गलत लगाया तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। लॉजिक को बिल्कुल आसान तरीके से लगाओ, जो मैं आपको सिखाता भी हूं स्ट्रक्चर एनालिसिस की क्लास में। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब करते हैं, जल्दी से बोलिएगा क्वेश्चन का जवाब करें, बोलो। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर द फ्रेम, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, छह ही होती है इक्वेशन। भाई ये तुम्हारा कौन सा स्ट्रक्चर है, ये 3D स्ट्रक्चर है क्या, 3D है क्या? तो यहां पर नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी आती है बोलो जरा, कितना आता है? 6 आती है। देखो देयर आर 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन द स्पेस स्ट्रक्चर और स्पेस फ्रेम। स्पेस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज 3D स्ट्रक्चर। दिस इज द सिग्मा FX, सिग्मा FY, सिग्मा FZ, सिग्मा MX, सिग्मा MY एंड सिग्मा MZ। तो आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट करते हैं, अब इसमें जवाब करो, इसमें तो वही कर पाएगा आंसर जिसको भाई साहब पता होगा पूरा चीजें, जिन लोगों ने स्ट्रक्चर एनालिसिस को बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम किया होगा, मेरी क्लास किया होगा, तो गारंटेड है इसका जवाब गलत नहीं करेगा। समय देते हैं आपको एक मिनट का, क्योंकि इसमें एक मिनट तो लगना ही लगना है अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो। तुक्का मार रहे हो तो तुम तो फिर तो एक सेकंड में कर दो। बोलो जरा इसका जवाब करो, जवाब करो फटाफट से, वेरी गुड, चलेगा। एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी फॉर द फॉलोइंग स्पेस फ्रेम इज, बोलो क्या करोगे यहां पर? देखो सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट, इस स्ट्रक्चर को देख के आपको क्या फीलिंग हो रहा है कि ये तुम्हारा क्या 3D है? अगर ये लिखता भी नहीं तो फिर पता है आपको। तो 3D के लिए जब बात करते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखो, अब 3D के लिए जब हम बात करते हैं तो DS का जो फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, अब DS इज इक्वल टू 3C माइनस R डैश आप करते हैं, तो यहां पर सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कट चाहिए और उसके बाद आपको R डैश चाहिए। तो नंबर ऑफ कट और R डैश को आपको निकालना है, ठीक है। अब यहां नहीं, 6C नहीं सर, 6C नहीं, गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपका यहां पर 3D है तो ये 6C हो जाता है, 3D नहीं, प्लेन के लिए होता था 3C, यहां पर लग हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखेगा ध्यान से कि क्या करना है आपको, देखो जरा ध्यान से कि एक कट यहां पर, दूसरा कट यहां पर, देखो कट का वैल्यू देखो अब ध्यान से, बहुत लोग गलती कर रहे हैं, एक कट यहां पर, एक कट यहां पर, ठीक है, और एक कट यहां पर भी लगाएगा तो इतना पार्ट आपका इतना इसमें आएगा, इतना पार्ट इसके साथ, इतना पार्ट इसके साथ और इतना पार्ट इसके साथ, मतलब कि आपको कट जो लगाने पड़ेंगे एक यहां पर, एक यहां पर,
मतलब कि कट हो गए आपके चार, ठीक है, सी हो गया नंबर ऑफ कट फोर, वेरी गुड। अब आर डैश आते हैं डियर स्टूडेंट, आर डैश की बहुत लंबी कहानी है, देखिएगा चारों के चारों सपोर्ट आपके फिक्स हैं ऑलरेडी ऑलरेडी, बस यहां पर जरूरत पड़ेगा क्योंकि ये इंटरनल हिंज है। थ्री डी के केस में जो हमारा इंटरनल हिंज के केस में जो आर डैश निकालने का तरीका है वो एम माइनस वन न होकर थ्री एम माइनस वन होता है। तो यहां पर m का मतलब होता है नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट दिस हिंज, तो नंबर ऑफ मेंबर कितना मिल रहा है, एक दो और एक तीन, तो तीन मेंबर मिल गया थ्री माइनस वन, तो इसका मतलब दो माइनस तीन माइनस वन टू, टू थ्री जा करोगे तो सिक्स हो गया, तो r डैश आपका सिक्स इसी का पार्ट आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो फाइनली आपका आंसर हो चुका, अब तो कट हो गया चार, r डैश हो गया छह, तो ds को सॉल्व करो जरा आप जल्दी से, ds इज इक्वल टू सिक्स इंटू फोर चौबीस हो गया माइनस छह, तो आपका आंसर हो गया डियर स्टूडेंट 18। किसी ने किया था क्या 18 आंसर, किसी ने किया था है? 2D का फॉर्मूला लगा दिया ना, हाँ तो यही तो है आंसर, यही तो गलती करते हैं एग्जाम में हम जल्दीबाजी में। तो फाइनली आपने देखा कि हमारा ए ऑप्शन जो है कंप्लीटली सही होना है। कितने लोगों ने गलती करी थी, चलो पकड़ो कान पकड़ो जरा फटाफट से कि सर हमने भी करी थी, चलेगा। तो फाइनली अब इसी क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के जरा डिटेल में दिखाया है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके दो क्वेश्चन अभी और हैं। देखो यहां पर आपका पूछा गया इंटरनली स्टैटिक, अब देखो इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग करते हैं देखते हैं, क्या है इसमें इसमें अलग क्या है वो पढ़ो, स्ट्रक्चर आपको बढ़िया दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी पूछा है, जल्दी से जवाब करें। या वहां पर तो आपको डायरेक्टली डीएस पूछा था, टोटली पूछा था, टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी बिल्कुल खत्म, बट यहां पर पूछा है इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी फॉर द फॉलोइंग स्पेस फ्रेम, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है सबके लिए, तो जल्दी से जवाब करें, जल्दी से जवाब करें। इंटरनल स्टैटिक डिटरमिनेंसी फॉर द फॉलोइंग स्पेस फ्रेम इज, आप जवाब करोगे सर ये जो होता है, बहुत लोगों का जवाब जो है सही भी आ रहा है शायद, नहीं अभी तक सही किसी का नहीं आया है, अक्षर आना गलती हो गई, समी गलती है, इस क्वेश्चन का जवाब करें क्वेश्चन नंबर 21, क्या करोगे इसमें फटाफट से, चलेगा मैं आ देता हूं देखेगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। डीएस इज इक्वल टू जो होता है डीएसई एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी प्लस डीएसआई इंटरनल इंडिटरमिनेंसी, दोनों का समेशन जब करोगे तभी तो आपका डीएस आएगा, है कि नहीं, बात समझे। अब आप जो है पिछली क्लास से, पिछली क्लास का मतलब सॉरी पिछले स्लाइड के मतलब से ये देखो, पिछली स्लाइड से आप देखे यहां पर देखो डीएस कितना निकाले आप 18 निकाले, डीएस सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। तो इस क्वेश्चन से आपने देखा सर जो डीएस आप निकाल चुके हैं, ये डीएस तो हम निकाल चुके हैं 18, अब डीएसई कैसे निकालते हैं, देखो डीएसई को ध्यान से समझना भाई, डीएसई कैसे निकालता हूं, डीएसई का मतलब होता है डीएस ट्रेन, छह रिएक्शन तो यहां पर आएगा क्योंकि ये तुम्हारा 3D है, यहां पर ये तुम्हारा 3D है, तो नंबर ऑफ टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशन 6 आएंगे, 6 यहां पर, 6 यहां पर और 6 यहां पर, तो कितना हुआ 24, कितना हुआ 24, 24 में से माइनस करोगे आप क्या, 24 में से माइनस करोगे क्या, क्या माइनस करोगे, ये तो आपका 24 हो गया, ठीक है 24 तो आपका आ गया डीएस, क्लियर है जी, ये तुम्हारा इसी को बोलते हैं आप डीएससी, मतलब डीएससी का मतलब ही ये होता है एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, टोटल एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, तो ये हो गया आपका 24, इसको रख दो आप 24, ये क्या हो गया आपका 24, बस हो गया खत्म। डीएससी निकालने में क्यों घबराते हो आप, डीएससी निकालो जरा जल्दी से, डीएससी निकालो डीएस ट्रेन, डीएसआई इंटरनल आपको स्टैटिक इंटरमेंसी निकालना है ये आपको, ठीक है ना, डीएसआई इज इक्वल टू करो जरा जल्दी से फटाफट से करो, कितना आ जाएगा 6 आ रहा है क्या, सी ऑप्शन, ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा सी ऑप्शन। चलो अब ज्यादा देर मत करो इसमें, आप समझ चुके हो बात को, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सब भूल गए, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं याद दिला रहा हूं आपको। विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द मैकेनिज्म इन द ट्रस, ट्रस आप देखते हैं क्या होता है, अगर आपका m इज इक्वल टू 2j-3 होता है डियर स्टूडेंट, तो ये कंडीशन होती है, मैंने कई बार आपको ट्रस के लिए बताया है, इसको बोलते हैं आप स्टेबल कंडीशन। m का मतलब यहां पर मेंबर से और j का मतलब होता है ज्वाइंट से, और जब आप लिखते हैं कि m इज लेस देन 2j-3 हो, इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट परफेक्टली परफेक्टली कोलैप्स, परफेक्टली कोलैप्स, ठीक है चलो देखते हैं।
तो आप ऑप्शन नंबर करो जरा, ए बी सी डी में जवाब करो। थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन इसका देना चाहता हूं आपको कि जीवन में आपके काम आएगा। जरा देखें यहां पर, ये खैर क्वेश्चन नहीं है, इसको हटा दो यहां से। मैकेनिज्म मींस, मैकेनिज्म का मतलब होता है अनस्टेबल और डेफिशिएंट फ्रेम, मतलब कि खराब हो गया फ्रेम, गिर चुका है। नंबर ऑफ मेंबर इन द ट्रस्ट व्हेन लेस देन द 2J-3, दिस इज नोन एज मैकेनिज्म। तो आप क्या जवाब करोगे यहां पर मैकेनिज्म का मतलब? मैकेनिज्म का मतलब आप एक सेकंड में जवाब करोगे सर, ये हो जाएगा, बोलो जरा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 22 में जवाब करो, ये हो जाएगा सर m less than 2J-3। कैसे कर रहे हैं फिर भी ये ऑप्शन? स्टेबल थोड़ी बोला है, मैकेनिज्म बोला है, मैकेनिज्म का मतलब अनस्टेबिलिटी से होता है, ठीक है ना? कुछ भी बोल दे रहे हैं आंसर, रट रहे हो बस, इसीलिए तो एग्जाम में गलतियां होती है ना। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्पेस स्ट्रक्चर बोला गया ट्रस में, देखा, अब देखेगा ये क्वेश्चन फिर से अगेन इंपॉर्टेंट आ चुका है, अगेन इंपॉर्टेंट आ चुका है, देखेगा जवाब करें। हाउ मेनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन डू वी नीड टू सॉल्व, वी डू नॉट डू सॉरी इक्वेशन डू नीड टू सॉल्व जनरली ऑन ईच ज्वाइंट ऑफ द ट्रस, ठीक है ना? ट्रस की बात हो रही है, तो जल्दी से जवाब करें डियर स्टूडेंट। तो ट्रस में डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि ट्रस में आप मूवमेंट को, ध्यान से सुनेगा, ट्रस में हम मूवमेंट को एनालिसिस नहीं करते हैं, बस केवल वर्टिकल रिएक्शन। कहने का मतलब है केवल हम हिंज ज्वाइंट के लिए करते हैं इसको डिजाइन, मतलब कि एक वर्टिकल रिएक्शन और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो मतलब कि आपके क्या होगा, बी ऑप्शन कंप्लीटली सही हो जाएगा। तुक्का मार रहे हो ना, तुक्का मार रहे हो ना सब लोग, राधे जी, अक्षय राणा, सब लोग तुक्का मार रहे। बेटा तुक्का मत मारो, एक बार कॉमन सेंस लगाओ। ट्रस की बात हो रही है, तो जो ट्रस है, ट्रस में हम बेंडिंग के लिए, मूवमेंट के लिए एनालिसिस नहीं करते हैं, केवल वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए डिजाइन करते हैं। तो दो ही ना फोर्स आएगा, समझ गए बात को? चलेगा, ये सारे क्वेश्चन आपके इजी हैं, बट कुछ ना कुछ लॉजिक है हर एक क्वेश्चन में, समझ रहे हैं? इजी तो है बट लॉजिक है, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पुटअप किए जाएंगे। चलो देखते हैं। इफ अ मेंबर ऑफ द ट्रस इज इन द टेंशन, then what will be the direction of the force that it will be applied to the joint? अब जिन लोगों ने ट्रस को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, औरों के लिए ये डब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, मैं देखता हूं कितने लोगों का आंसर सही है। 25 का जवाब करें, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है, 100 क्वेश्चन को आज पोस्टमार्टम, बोलो बिना खाए पिए, सही में नहीं खाया भाई, दिन में खाया था बस, तुम लोगों ने तो बेटा खा लिया होगा, है ना? 10-10 रोटी खा ली होंगी सब लोगों ने। सर 10 रोटी थोड़ी खाए होंगी, हैं? कितना खाया? 50। इफ अ मेंबर ऑफ द ट्रस, ध्यान से सुनेगा, इन द टेंशन, आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट, माना ये ट्रस मेंबर है, ऐसा है कोई मेंबर, ये ठीक है ना, ये है, माना सपोज दैट ये है, ये ट्रस मेंबर है, सपोज दैट यहां पर जब आप देखते हैं कि ये मेंबर ए है और ये बी है, यहां पर कोई फोर्स ऐसा आ रहा है, ये ज्वाइंट है, तो इसको अब टुवर्ड्स द ज्वाइंट देखते हैं। अगर आप कहवे, अगर ऐसा फोर्स है स्टूडेंट, इस ज्वाइंट को खींच रहा है, हम क्या करते हैं, ज्वाइंट को खींचते हुए दिखाते हैं। जैसे माना ये मेंबर है, माना सपोज दैट एक ज्वाइंट बी है, एक ज्वाइंट बी है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक ज्वाइंट बी है, बी पर आपका टुवर्ड्स द ज्वाइंट आ रहा है, तब जाके इसको क्या बोलोगे, कंप्रेसिव, ठीक है? अगर आपका टुवर्ड्स द ज्वाइंट हो रहा है, ज्वाइंट के लिए दबा रहा है, तो ये हमारा कंप्रेसिव नेचर देगा, ये हमारा इंडिकेट कर रहा है कि कंप्रेशन है इस बी ज्वाइंट पर। और क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अगर आपका टेंशन है, टेंशन का मतलब ज्वाइंट के लिए, ठीक है, आप बोलोगे इफ द मेंबर ऑफ द ट्रस इन अ टेंशन, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट विल बी अप्लाई टू द ज्वाइंट, बोलो क्या बोलोगे यहां पर, अब बताओ रवि खंडेलवाल। सही है ना, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इफ अ मेंबर ऑफ अ ट्रस इन अ टेंशन, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट इट विल बी अप्लाइड टू द ज्वाइंट। तो ज्वाइंट टेंशन में है, ठीक है ना, जो टेंशन में, अगर आपका मेंबर ऑफ द ट्रस इन द टेंशन, टेंशन में है, तो मेंबर आपका टेंशन में, अब देखो लॉजिक है, लॉजिक को पकड़ो, अब देखो
मेंबर आपका टेंशन में, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ऐसा खींच रहा है डियर स्टूडेंट, ऐसा खींच रहा है। मेंबर की बात हो रही, ज्वाइंट की बात नहीं हो रही, समझो चीजों को। मेंबर की बात हो रही है तो ये कुछ ऐसा होगा, मेंबर में टेंशन है, समझो चीजों को। मेंबर में टेंशन है तो ज्वाइंट पर क्या अप्लाई हो रहा होगा, ज्वाइंट पर अप्लाई हो रहा होगा इनवर्ड डायरेक्शन। बहुत लॉजिक है भाई इस क्वेश्चन में, इसलिए गड़बड़ मत करना, ठीक है ना, बहुत बड़ा लॉजिक है, इसलिए मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूं। मेंबर में है टेंशन, खिंचाव, बट ज्वाइंट की तरफ ये क्या कर रहा है, ज्वाइंट की तरफ क्या आ रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन मार रहा है। देख रहे हैं दो ज्वाइंट, अगर इसको सी नाम दे तो इनवर्ड डायरेक्शन मार रहा है। आंसर सबने सही किया था बट घबरा गए, है ना, और यही घबराहट जो है बेटा चिंता का विषय जो है ना, ये यही है जो एग्जाम में गलती होती है ना, इसी वजह से होती है। चलो खैर एक बार फिर से देखना, आप समझ आओगे। अच्छा क्वेश्चन है सर, आज के सर नए नए हैं, सारे नए हैं, बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज द फोर्स इन द मेंबर सीजी, जो लोग भाई पीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, खासकर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके पास ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, सही बता दूं, ये क्वेश्चन आने आने हैं बेटा, इसलिए फोकस करो हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। जरा बताओ, देखिएगा यहां पर पहले मैंने इस क्वेश्चन को जरा देखना है ध्यान से, हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूं इस क्वेश्चन में। व्हाट इज द फोर्स इन द मेंबर सीजी, सीजी मेंबर आपका ये वाला, ध्यान से देखो जरा, सीजी मेंबर कौन सा है, सीजी मेंबर आपका ये वाला, ये वाला मेंबर सीजी है। इसका कंपोनेंट तोड़ दो आप, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ठीक है ना, एंगल आपका है ही 45 डिग्री। तो यही चीज मैंने यहां पर भी करी है डियर स्टूडेंट, आराम से आपका आंसर आ चुका है, देखिएगा सी ऑप्शन। समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो हमने कर दिया, तो ये वाला रिएक्शन आपका डब्ल्यू बाय टू आएगा, जो वर्टिकल रिएक्शन आएगा। कैसे आया सर, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, ये लोडिंग जो है आपका सिमेट्रिक है, तो आपका जितने का एक्शन हो रहा है डब्ल्यू का, तो ये वाला रिएक्शन भी आधा ये देगा और आधा ये देगा, ठीक है, सिंपली सपोर्ट वाला बीम वाला केस, ठीक वही मैंने वहां पर भी किया है डियर स्टूडेंट, वही चीज लगाया। देखो यहां पर अब देखिएगा, ये जो फोर्स था आपका, इस जो सीजी आपका ये पोर्शन था, तो उस एफ फोर्स का दो कंपोनेंट टूटे, एक हॉरिजॉन्टल वाला एक वर्टिकल वाला। तो जब हम वर्टिकल फोर्स का रिलेशन लगा रहे हैं, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो वर्टिकल फोर्स ही लोगे, तो डब्ल्यू बाई टू अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स एफ सी जी साइन 45 डिग्री, देन एफ सी जी विल बी डब्ल्यू बाय रूट टू। कुछ नहीं था यार, घबराते पहले क्यों हो तुम, मुझे समझ नहीं आता, है ना। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई चीज टेंशन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बिल्कुल आप जवाब करें। फाइंड द स्ट्रेन ऑफ द ब्रास रॉड ऑफ द लेंथ 250 mm विच इज सब्जेक्टेड टू द टेंसाइल लोड ऑफ द 50 kN When the extension of the rod is equal to 0.3 mm, चलेगा जवाब करें डियर स्टूडेंट। यहां पर बोला क्या गया है, यहां पर आपको स्ट्रेन निकालना, और स्ट्रेन हमेशा के लिए होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यही होता है। तो चलेगा बिना देरी करे हुए आपको बताते हैं कि क्या करना था इसमें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन देखेगा। यहां पर स्ट्रेन का जो आपका होता है एप्साइलेंस, एक सेकेंड, एप्साइलेंस जो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। चेंज इन लेंथ उसने दे रखा था 0.3 अपॉन आपने 250 जो ऑरिजिनल लेंथ था, तो बस हो गया काम खत्म, 0.0012 आपका आंसर आ चुका था, ठीक है, ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओके आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखे, बस देखते रहो, देखने से आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपके नॉलेज के लेवल के लिए बहुत ईजी है ये, तो आप जवाब करें इसका बहुत जल्दी से, देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है। द प्रॉपर्टी बाय विच अ बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड, क्या बोलते हैं इसको बताओ जरा जल्दी से। माना सपोज दैट ये बॉडी है, आपने इसको लोड लगाया, एक फोर्स लगाया, इस फोर्स को कारण ये कुछ ऐसा खींचा भी, खींच भी गया। अब इस फोर्स को हम रिमूव कर दें, इस फोर्स को हटा दें, ये माना कोई बोतल है, ये लो ये बोतल है, इसको मैंने क्या करा, खींचा, लोड लगाया, टेंशन लोड खींचा ये, लेकिन मैंने फोर्स अभी इस लिमिट में लगाया, इस फोर्स को मैं रिमूव कर दूं तो ये फिर से अपनी ओरिजिनल अवस्था पे आएगा। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं, खत्म, क्या बोलते हैं जी, इलास्टिसिटी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी गुड, सब लोगों का जवाब सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर थर्टी जवाब करो। द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल बाय विच इट कैन बी बीटन ऑन रोल्ड इन टू द थिन प्लेट इज कॉल्ड, जल्दी से जवाब करें जी। चलिएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब लोगों का जवाब सही आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 30, बहुत बढ़िया है। 70 क्वेश्चन अभी इंतजार कर रहा है, 70 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन अभी किए हमने, बस 30 क्वेश्चन किए, वेरी गुड। ये मैलेबिलिटी होता है क्या? वेरी गुड। आपने देखा है कि ये तुम्हारा स्टील का बॉल है, स्टील का प्रोडक्ट है, ये तुम्हारा कॉन्क्रीट का है, आप क्या करोगे? हैमरिंग एक्शन करोगे। सेम वेट का यहां पर भी हैमर, यहां पर भी। तो ये सीट जो है थिन सीट में, पतला सीट में स्टील चेंज हो सकता है, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। तो इसको बोलते हैं आप मैलेबिलिटी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्कैफोल्डिंग आप जानते हैं क्या? टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है क्या? वेरी गुड। तो जरा जवाब करो स्कैफोल्डिंग के बारे में, जल्दी से जवाब करो, आपको मिलता है 5 सेकंड। स्कैफोल्डिंग हैज टू बी डन इफ द हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर इज अबव द, नॉर्मली हमें स्कैफोल्ड यूज करना ही पड़ेगा जब हाइट जो है बहुत ज्यादा हो जाएगी स्ट्रक्चर की। कब करोगे जी? नॉर्मली नहीं करते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिकेशन है 31 का, क्वेश्चन नंबर 31। वेरी गुड, जवाब करो। स्कैफोल्डिंग हैज टू बी डन इफ द हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर इज अबव द, देखिएगा हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर की बात हुई है। जवाब करो जरा डियर स्टूडेंट, फटाफट से क्लास को एक बार शेयर करो, लाइक कर दो जरा जल्दी से। सो जाते हैं यार लोग, पता नहीं क्यों सो जाते हैं, इतने जल्दी सोने का है, जो सोवत है वो खोवत है। अब ऐसा तो है नहीं कि रोज हम तुम्हारा क्लास लेते हैं, एक ही दिन तो लेते हैं बस, उस दिन तो कम से कम बैठो भाई, पढ़ो, सीखो, है ना। तो जब सीखोगे तभी तो आप बनोगे नवाब, नहीं तो बेटा किसी गली में बनते रहोगे कबाब। है ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, नहीं तो पता नहीं किस गली में बन जाओगे कबाब। क्या मारा डायलॉग सर आपने, बहुत बढ़िया। आज का सुप्रसिद्ध विचार। आज का सुप्रसिद्ध विचार, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, नहीं तो पता नहीं किस गली में बनोगे कबाब, ठीक है, कौन काट देगा तुम्हें, खत्म। चलो बहुत बढ़िया, सब लोग अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं, चलेगा। तो डियर स्टूडेंट, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ना है, सबको देखेगा। स्कैफोल्डिंग एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है, कि जैसे आप कभी भी प्लास्टर के लिए, या आप कभी पुताई वगैरह के लिए, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, देखेगा। स्कैफोल्डिंग दिस इज द टेम्पररी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड विद नेसेसरी सपोर्ट क्लोज टू द वर्क, प्रोवाइड्स लिमिटेड स्पेस फॉर द वर्कर, ओके, मजदूर। बिल्डिंग मटेरियल टूल्स, दिस इज द बिल्डिंग मटेरियल टूल्स एक्सेट्रा इज, दिस इज टर्म्ड एज स्कैफोल्डिंग। इट इज जनरली एडॉप्टेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसनरी वर्क अबव द ग्राउंड लेवल ऑफ 1.5 मीटर। ये जो है बहुत बड़ा नॉमिनेट है, आपको याद रखना है, जब आपका 1.5 मीटर, मतलब कि 1.5 मीटर से ऊपर हो जाएगा तब होना है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, तुम सही जा रहे बेटा, सोते नहीं है सर। ये हो जाएगा क्या 1.5, हाँ। मुकेश शर्मा नमस्ते जी, बोल रहे हैं कि सर आई एम फ्रॉम नेपाल, बहुत बढ़िया। ये भाई साहब अलग है, अक्षय राणा नेपाल चंडीगढ़ में है, किसने कहाँ सुना भाई नेपाल चंडीगढ़ में है, हैं कुछ भी बोल दे रहे हैं क्या। चलो क्लास को शेयर कर दो जरा फटाफट से। रेट ऑफ द फिल्ट्रेशन ऑफ द रैपिड सेंड फिल्टर का जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो कितना होता है जरा बताओ, कितना हो जाएगा ये, बोलो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। नहीं पता है सर, हमें ना पता सर, ठीक है, चलेगा। यस स्टूडेंट, कुछ एक्सप्लेनेशन इसके बारे में आपको देना चाहूंगा, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो जरा ध्यान से। यहां पर जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, देखेगा दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। द एफिशिएंसी ऑफ द रैपिड सेंड फिल्टर इज 95%, द रेट ऑफ द फिल्ट्रेशन इज लार्ज एंड रेंज फ्रॉम द 3000 to 6000 ऑफ द फिल्टर एरिया एंड साइज ऑफ यूनिट इज स्मॉल। मतलब क्या आप बोलोगे 3000 से 6000, सर हमने सही किया था, तो मतलब कि सी ऑप्शन जो है कंप्लीटली सही है, और आपको याद भी रखना है, ठीक है ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद रखो भाई, 3000 से 6000 बस खत्म।
वन टीसीयू क्या डिफाइन करता है? वन टीसीयू ट्रू कलर यूनिट, ये तो आपको पता है कि ट्रू कलर यूनिट है, लेकिन मेजरमेंट के लिए क्या स्केल का यूज करते हैं आप, बोलो जरा जल्दी से। कलर प्रोड्यूस बाय 1 मिलीग्राम ऑफ द प्लेटिनम कोबाल्ट इन 1 लीटर ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन खत्म, वेरी गुड। क्वेश्चन पर आप जा रहे हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 34, वेरी गुड वेरी गुड मुकेश शर्मा, बहुत बढ़िया, सबसे पहले जवाब है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 34, बहुत बढ़िया, आज जागरण करने वाले हम। रेंज ऑफ द थ्रेशोल्ड कडर नंबर, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर की बात हो रहा है डियर स्टूडेंट, तो आप बोलेगा थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर टीओ, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर टीओएन कितना होता है जी, कितना होता है पता नहीं है क्या आपको? पता है सर, देखो जरा बताएं, जरा आप बताएंगे आपको, देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर इज 3 एंड इट इज रेंज इज 1 to 3। थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर इज यूज टू दी मेजर द इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर, गंध और स्वाद। चलो बहुत बढ़िया, तो ये समझ गए आप, 1 से लेकर 3 का रेंज सब लोगों ने सही किया था, वेरी गुड, सब लोग बहुत अच्छे हैं भाई। अमंग द फॉलोइंग विच टर्बाइन रिक्वायर द मोर हेड, मतलब कि कौन सा टर्बाइन है डियर स्टूडेंट जिसमें कि ज्यादा हेड की जरूरत होती है, तो क्वेश्चन नंबर 35 में जवाब करें, ठीक है चलेगा, जवाब करें जरा फटाफट से। अमोंग द फॉलोइंग विच टर्बाइन, चलो कौन सा टर्बाइन बेटा, जवाब तो करो आप फटाफट से, मैं फटाफट ही तो करा रहा हूं, इससे ज्यादा क्या कर रहा हूं मैं, बोलो आप खुद बोलो, इससे ज्यादा मैं क्या कर रहा हूं आप खुद बोलो ना, आप तो करो पहले जवाब। तो ये क्या होता है आपका पेल्टन व्हील, सबसे ज्यादा जो हेड होता है पेल्टन व्हील टर्बाइन में होता है ना, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब सोने का जल्दी होगा बेटा तुम्हें, है ना, और कुछ जल्दी नहीं तुम्हें, क्वेश्चन से मतलब नहीं तुम्हें, सोने से मतलब है। हाइड्रोलिक डेप्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर चैनल इज 2 मीटर एंड वेटेड एरिया इज 12 मीटर स्क्वायर, एस्टिमेट द हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस दिस इज आर इज इक्वल टू ए अपॉन पी। रेक्टेंगुलर चैनल की बात होता है जब, तो ये हमारा डेप्थ है पानी का, ये हो गया वाई, ये हो गया बी, तो पेरीमीटर में क्या लिखोगे जी, दोनों को तीनों को जोड़ दो तीनों जगह का डेप्थ, तो ये हो जाएगा पेरीमीटर में बी प्लस 2y। अब यहां पर हाइड्रोलिक रेडियस एरिया तो आप निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल दिया है सर, एरिया आपको दिया है 12 का, और यहां पर देखा जाए तो आपको क्या दे रखा है, एरिया में हो जाएगा, जब एरिया की बात करें तो डेप्थ इंटू विड्थ होगा, तो एरिया आपको दे रखा है 12 और वाई डेप्थ दे रखा है आपको कितना, हाइड्रोलिक डेप्थ और रेक्टेंगुलर 2 दे रखा है, तो विड्थ निकालने में क्यों शर्मा रहे हो आप, विड्थ आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, दिख रहा ना आपको यहां तक, वेरी गुड, विड्थ हो गया 6, तो यहां पर रख दो आप बी पी में, बोलो यहां पर रख दो आप जल्दी से, बी प्लस 2y, तो बी का वैल्यू हो गया जी कितना 6 प्लस 2 इंटू वाई, वाई का वैल्यू हुआ सर कितना, y का वैल्यू कितना है 2 सर, तो p का वैल्यू हो गया 10, तो ये हो गया सर 1.2, ठीक है ना 1.2, वेरी गुड, तो 1.2 आपका कंप्लीटली सही हो गया, ठीक है आगे चलते हैं। अ रेक्टेंगुलर चैनल हैज द डेप्थ ऑफ 8 मीटर एंड विड्थ इज 10 मीटर, कैलकुलेट द हाइड्रोलिक डेप्थ ऑफ द चैनल, हाइड्रोलिक डेप्थ निकालना है डियर स्टूडेंट, जल्दी से जवाब करें, जितना जल्दी आपका जवाब उतना जल्दी दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, रेक्टेंगुलर चैनल हैज द डेप्थ ऑफ 8 मीटर, मतलब कि डेप्थ जो है आपका है वो है 8 मीटर, अच्छा विड्थ जो है आपका 10 मीटर, हाइड्रोलिक डेप्थ की बात जब की जाए तो ये होता है हमारा ए एरिया अपॉन टॉप विड्थ। अब टॉप विड्थ क्या होता है ना रेक्टेंगल चैनल के लिए, ये जो टॉप विड्थ होता है टी, रेक्टेंगल के केस में बी के बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर है। फॉर द रेक्टेंगुलर केस द टी टॉप विड्थ दिस विल इक्वल टू विड्थ विड्थ ऑफ द चैनल रेक्टेंगुलर चैनल, तो बस एरिया में हो जाएगा सर 10 × 8, ये तो एरिया हो जाएगा, विड्थ और डेप्थ गुणा कर दोगे, टॉप विड्थ जो बराबर है तो इसका मतलब विड्थ के बराबर होगा, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो 8 मीटर आपका ए ऑप्शन कितनों ने किया था, सब लोग तुक्का मार रहे हैं, देखो रिया जी बस पहले का कभी सुना होगा कभी, बेटा डेटा भी चेंज हो सकते हैं, है ना, डेटा चेंज नहीं कर सकता हूं मैं, हाँ कर सकता हूं और किया मैंने, ये देखो धोखा किया, तब का आपका आंसर ए आ चुका है, ठीक है चलो जी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38,
द वैल्यू ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ द आइडियल फ्लूड। अब आइडियल फ्लूड की बातें करें, बातें ही ना करें हम आइडियल फ्लूड की, क्योंकि ऐसा फ्लूड कोई एग्जिस्ट नहीं करता है प्रैक्टिकली कंडीशन में, जिसमें कि आपका इन्फिन जो आप जानते भी आइडियल फ्लूड की कंडीशन, सरफेस टेंशन जीरो, विस्कोसिटी जीरो, कंप्रेसिबिलिटी जीरो, तो ऐसा कोई फ्लूड है क्या? प्रैक्टिकली नहीं है ना। तो आप बोलोगे सर ए ऑप्शन, बिल्कुल सर बात ही मत करो इसकी, इससे नाराज है हम। चलेगा क्वेश्चन नंबर 39। हाँ सोना नहीं है भाई, क्लास को शेयर करो, मैंने कहा ना आपको आज का विचार आपके लिए, जो सोवत है वो खोवत है। हाँ पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, नहीं तो कहीं गलियों में कटते रहोगे जैसे कबाब। हाँ व्हाट इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द प्योर वाटर एंड ग्लास। जब बात किया जाए ग्लास और वाटर का, तो इसका एंगल परफेक्टली जीरो डिग्री होता है। कितना होता है? जीरो डिग्री। वेरी गुड, यहां पर हो जाएगा जीरो डिग्री, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आपके लिए, बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 40वां क्वेश्चन, जब मरकरी और ग्लास की बात हो तब क्या होगा जी बताओ। चलो अभी तो आपने बात करी वाटर और ग्लास की, जब मरकरी और ग्लास की बात हो सर तब बताओ जरा, तब बताओ जरा चुपके से। तो ये हो जाता है आपका 130 डिग्री। लेकिन कभी भविष्य में एग्जाम में ग्लास और केरोसिन की बात हो जाए, मिट्टी का तेल, तो तब जाके आपका 26 डिग्री होता है भाई। वो क्वेश्चन नहीं कराया मैंने अभी, तो याद रखेंगे, हर एक चीज को समझो और याद भी करो, वही काम आएगा, ठीक है ना। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाटर लॉस्ट इन द थेफ्ट एंड द वेस्ट कंट्रीब्यूट टू हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल कंजम्पशन। आपने देखा होगा कभी भी हम जब वाटर सप्लाई पढ़ते हैं, तो जब भी हम जब करते हैं क्या, जैसे देखो जरा चीजों को, कभी भी हम कभी डिमांड, कभी किसी टाउन का, किसी शहर का डिमांड देना हो, तो पहले डिजाइन करते हैं, वहां का फोरकास्टिंग करते हैं पॉपुलेशन को, एक अप्रोक्सीमेटली प्रोबेबिलिटी मेथड से। अलग अलग मेथड है, इंक्रीज मेथड है आपका, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड है, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड है। तो यहां पर आपने कहा सर 15% का होता है, ज्यादा बातें मत बनाओ सर, बिल्कुल चलो नहीं बना रहे लोग। ये लो, वाटर लॉस इन थेफ्ट एंड वेस्टेज कंट्रीब्यूट टू 15% ऑफ द टोटल कंजम्पशन विच इंक्लूड द वाटर लॉसेज ड्यू टू द लीकेज ऑफ द स्टोलन ड्यू टू द इलीगल कनेक्शन, है ना। इलीगल कनेक्शन समझ रहे हैं आप सब लोग, चलिए वेरी गुड। तो ये हो गया आपका फाइनली 15% का, याद रखनी ये चीजें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं 42, बहुत नजदीक हम खैर 100 क्वेश्चन के। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट डिजाइन पीरियड इज मैक्सिमाइज, मतलब कि कौन सा डिजाइन पीरियड किसका मैक्सिमाइज होता है किस यूनिट में, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, रिजर्वायर जो डिमांड होती है उसमें, या वाटर ट्रीटमेंट यूनिट में। जो वाटर ट्रीटमेंट यूनिट का मतलब है जैसे सेडिमेंटेशन टैंक टैंक हो गया, या तुम्हारा कॉगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन टैंक हो गया, उसकी बात कर रहा था। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुनिएगा अब यहां पर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज डिजाइन फॉर 30 ईयर, 30 सालों के लिए डिजाइन होता है, जबकि जो डिमांड रिजर्वायर है यह तुम्हारा 50 साल के लिए होता है। डिमांड रिजर्वायर का मतलब बहुत बड़ा रिजर्वायर, जैसे कि आपका पब्लिक वाटर डिमांड आपको पूरी करनी है, तो उसके लिए रिजर्वायर का ज्यादा साल के लिए डिजाइन करना पड़ेगा। वाटर ट्रीटमेंट यूनिट का मतलब है कि जैसे आप सेडिमेंटेशन टैंक बना रहे हैं, सेडिमेंटेशन फ्लॉकुलेशन टैंक बना रहे हैं, कॉकुलेशन टैंक बना रहे हैं। अब पाइप मेंस का मतलब होता है पाइपलाइन, ठीक है ना, वो 30 सालों के लिए होता है। तो सबसे ज्यादा तो यहां पर क्या आंसर है, सबसे ज्यादा तो आपका कौन सा है, रिजर्वायर वाला ना, वाटर डिमांड रिजर्वायर वाला, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और सबसे इजी भी है खासकर, जवाब करो। वाटरिंग डन प्रायर टू द सोविंग ऑफ द क्रॉप इज कॉल्ड एग्री, मतलब कि वाटरिंग जो आप देते हैं बोने से पहले, फर्स्ट जो आप इरिगेट करते हो, फर्स्ट इरिगेशन जो आप करते हैं फसल बोने से पहले, तो उसको क्या बोलते हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग जो हम पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चन है, तो बताइएगा जल्दी से बोलो। ये बोलोगे आप जल्दी से, ये हो जाएगा सर प्लेवी इरिगेशन। वेरी गुड, सब लोगों का जवाब हुआ सही, इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना, इजी क्वेश्चन है ये। अब इसमें बताओ व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर द ज्वाइंट टू द होल्ड द रेल एंड टुगेदर, मतलब कि एक रेल आपका ऐसा है इसके ज्वाइंट को दूसरे से जोड़ते हैं तभी तो आप लाइन बिछा पाओगे ना रेलवे ट्रैक। क्यों जी, आप एक सेकंड में बोल सकते हैं, टू प्रोवाइड द कंटिन्यूटी। क्या बोल सकते हैं, टू प्रोवाइड द कंटिन्यूटी। वेरी गुड,
ये, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ठीक है ना, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, बेंडिंग है भाई, इसको सही कर देना। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर द कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू द मूवमेंट। चलो जी, आपके लिए बना देता हूं मंदिर, ये मंदिर बना दिया मैंने, ऐसा कैंटिलीवर बीम ऐसा होता है, ठीक है ना। और इसमें बोला गया कि एक मूवमेंट लग रहा है, कुछ भी एक कपल लग रहा है आपका फ्री हैंड पर, तो बोलेगा इसका जो बीएमडी बनेगा कैसा बनेगा। सियर फोर्स तो आप आंख बन के बोल सकते हैं कि सियर फोर्स तो सर इसमें जीरो होगा पूरे ऑल ओवर द स्पैन, बट बीएमडी जो बनेगा इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, क्योंकि सियर फोर्स लाइन पूरी इससे बनेगी, क्योंकि सियर फोर्स जीरो है, कोई फोर्स आई नहीं, बट जो बीएमडी बनेगा सियर सर ये बनेगा कुछ इस तरह से, ऐसा नेगेटिव का, ओके। और इसकी इंटेंसिटी भी एम हो गई, तो आपका बना ये रेक्टेंगल। कितने लोगों ने जवाब सही किया था, वेरी गुड, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है, रेक्टेंगल बनेगा। चलेगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब करो, क्वेश्चन नंबर 46, बस फट से जवाब करो। इन अ प्लेन स्ट्रेस कंडीशन इफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस आर 130 एमपीए एंड 30 एमपीए, और दोनों बड़ी बात, मजेदार बात क्या है कि दोनों पॉजिटिव में हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम सीयर फोर्स, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस, तो मैग्नीट्यूड निकालना है, वेरी गुड। तो यहां पर डियर स्टूडेंट जो मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस आता है इसको रेडियस ऑफ मोर सर्कल भी कहते हैं, ये हो जाएगा आपका सिग्मा मेजर, मतलब कि आपका 130 सिग्मा मेजर प्लस सिग्मा माइनर बटे दो, कितना हो जाएगा, जरा जोड़ो जरा फटाफट से, 160 हो रहा ना, 160 बटे दो कितना होता है सर, है? अच्छा अब क्या करोगे, अब तो कहानी फंस गई अब तो कहानी फंस गई, क्या करोगे अब। पचास आएगा ना, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये आ जाएगा आपका 50 एमपीए। कैसे आया जी, मेरा तो नहीं आ रहा है, है? मेरा तो आ ही नहीं रहा है, बताओ अब, है? ये बोल रहे माइनस होगा सर, कहां पे सुना आपने, हाँ समझ गए, वेरी गुड समझ गए मतलब बात को आप, ठीक है ना, चलेगा। तो फाइनली आपका 50 हो चुका है आंसर, खत्म जी, वेरी गुड। मतलब कि ये छोटी छोटी चीजें अब ज्यादा आपको डिस्कस नहीं करनी है, सब आपके लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, मतलब कि बहुत इजी चीजें हैं। अब तो मोर सर्कल का जिन लोगों को डर लगता है तो एक बार जरूर लेक्चर को देखें मेरा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से, ठीक है ना, थोड़ा अलग नहीं है भाई, कुछ अलग नहीं है, हाँ मैंने जानबूझ के किया है, कुछ अलग नहीं है, सेम है, मैंने जानबूझ के किया है, ठीक है, सेम बढ़िया है, कोई टेंशन मत लो आप। व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर द ज्वाइंट होल्ड द रेल एंड टुगेदर, देखिएगा प्रोवाइड टू कंटिन्यूटी, ये क्वेश्चन कर चुके हम, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो एक रेल्स आप देख पा रहे हैं यहां पर, देखो यहां से ट्रेन आएगी छुक 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 करके, ठीक है, यहां से ये तुम्हारा ब्लास्ट है, ये स्लीपर हो गया और ये तुम्हारा रेल्स हो गया, ठीक है ना, कंटिन्यूटी प्रोवाइड करेंगे आप, ठीक है ना, कंटिन्यूटी प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, रेलवे इंजीनियरिंग का, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स ऑफ अ वुडन स्लीपर। वुडन स्लीपर की बात हो डियर स्टूडेंट तो क्या बोलोगे आप, सी एस आई, एक्चुअली में वुडन स्लीपर लकड़ी का जो स्लीपर होता है ना, उसकी हार्डनेस और उसकी स्ट्रेंथ दोनों के लिए हम चेक करने के लिए अभी इंडेक्स का यूज करते हैं, जो कि होता है एस प्लस 10H/20, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब लोगों का आंसर सही आ रहा है भाई, पचासवें पे जा रहे हैं, अभी तो अर्धशतक लगा है जी, अर्धशतक के बहुत कम नजदीक है हम, देखिएगा अब इसका जवाब करें, और यहां पर जल्दीबाजी में तो बिल्कुल भी जवाब मत करें, ठीक है ना, जल्दीबाजी का काम किसका सर, हमारा मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट कलेशन फॉर द ब्रॉड गेज वुडन स्लीपर 280 × 30 × 15 सेंटीमीटर। यहां पर ये जो देता है एल देता है लेंथ, ये देता है विड्थ चौड़ाई देता है, वेरी गुड, और ये देता है डेप्थ, ठीक है, और ये जो 80 सेंटीमीटर ये स्लीपर का स्पेसिंग है, जल्दी से जवाब करिएगा, 49 में सी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
डियर स्टूडेंट, जो डेप्थ ऑफ बैलास्ट निकालने का फॉर्मूला है स्लीपर का स्पेसिंग माइनस डब्ल्यू विड्थ अपॉन टू। तो आप बोलोगे 80 माइनस 80 माइनस 30 30 बटे दो, तो मतलब कि आपका 50 बटे दो। तो आप बोलोगे सर ये तो 25 हो गया, मतलब कि सी ऑप्शन हो गया, खत्म खत्म करो क्वेश्चन को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन तो आपने शायद जीवन में सुना होगा, कभी नहीं सुनाया तो हम सुनाएंगे आपको। जरा बताओ, ऑन हुज रिकमेंडेड द ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज को सबसे पहले कौन रिकमेंड किया था? भाई साहब ये जो थे वेरेन हेस्टिंग्स साहब, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर, उस टाइम की सरकार के टाइम पर ये वहां पर कुछ ऑफिसर थे, तो उन्होंने रिकमेंड किया था इंडिया में। ठीक है, तो चलिएगा 1853 के टाइम की बात है ये, समझ रहे हैं आप? कम से कम तो तब से हमारा चल रहा है ये काम। तो डब्ल्यू सिम रिकमेंडेशन, गलत हो गया, डब्ल्यू सिम्स कर देंगे इसको करेक्ट, डब्ल्यू सिम्स भाई, ठीक है ना, डब्ल्यू सिम्स नॉट अ वॉरेन हेस्टिंग। वो तो गवर्नर थे उस टाइम पर, लेकिन ये ऑफिसर ये थे वो, ठीक है ना, विम्स। चलेगा, व्हाट इज द यूज्ड फॉर द फिक्सिंग ऑफ द फ्लैटेड फुलेट रेल, फ्लैट फुटेड रेल क्या है ये जरूर आपको समझना है। उसके बाद फिक्सिंग के लिए आप कौन सा टूल्स यूज करते हैं, तो मैं आपको ज्यादा नहीं कहूंगा, बिल्कुल आपको फिगर पर ले जा रहा हूं, जरा फिगर पर ले जा रहा हूं। देखो इधर क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेल की जब हम बात करते हैं, तो एक पहला नंबर आप देख रहे हैं डबल हेडेड रेल, दोनों जगह आपके डबल हेडेड सेम है। दूसरा होता है बुल हेडेड रेल, जो आपका टॉप वाला पोर्शन, उस पर ज्यादा लोडिंग आएगा, रेलवे का लोड जो आएगा पहले ट्रैक का इसी पर आएगा, इसलिए थोड़ा सा चौड़ा किया गया है। उसके बाद फ्लैट फुटेड रेल ये वाला है। तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, जरा फिगर को देखें आप इसमें, तो इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा फ्लैट फुटेड रेल है, खासकर ये वाला जो आपका फिगर है फ्लैट फुटेड रेल, इसमें हमारे कुछ स्क्रू टाइप, कुछ स्पाइक उसको बोला जाता है, एक्चुअली में एग्जैक्ट नाम जो इसका टेक्निकल नेम है डॉग स्पाइक, स्क्रू स्पाइक, तो स्पाइक उसको बोला जाता है, इनको अटैचिंग करने के लिए काम किया जाता है। तो आप बोलेंगे सर ये तो आंसर हो गया स्पाइक, क्या बोलोगे आप? स्पाइक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पाइप नहीं भाई स्पाइक, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द रेल शुड नॉट बी लेस देन, देखिएगा रेलवे से बहुत सारा क्वेश्चन आपका डीएफसीसीएल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो चलिएगा, खैर आज का जो सेशन था मेरा ये 100 क्वेश्चन का, ये मैंने किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं टारगेट किया था, इसमें पीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका मैकेनिज्म का भी क्वेश्चन मैंने कुछ ट्रस्ट का भी डाला है, डीएफसीसीएल रेलवे का भी बहुत ज्यादा परसेंटेज रखा है, क्योंकि उनके लिए आपका है ही। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया श्यामदास, मेरा नॉन टैक बहुत बढ़िया है। बेटा अब तो रात बहुत ज्यादा हो गया ना, भूत भरी रातें, हाँ बहुत बढ़िया, जवाब करो आज की रात प्रदीप सर के साथ, बहुत बढ़िया। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रेल, क्लास को जो है शेयर नहीं करते भाई, इतना सारा विद्यार्थी 1000 ऊपर चले गया टेलीग्राम में, देखो क्लास में संख्या, देखो सो रहे हैं, देखो एग्जाम में सो गए बेटा, अब देखो 72 किलोग्राम, क्लास को शेयर करो जरा सभी लोग, 72 किलोग्राम पर एमएम स्क्वायर, क्या बोलोगे? 72 किलोग्राम पर एमएम स्क्वायर, वेरी गुड बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं जी, वेरी गुड बहुत बढ़िया, आगे चल रहे हैं। अब यहां पर आपको बताना है, एक्चुअली में ये सभी तुम्हारे जो है सीएसटी 9 सीएसटी 11 सीएसटी 12 और सीएसटी 13 अलग अलग टाइप का है, बट यहां पर आपसे पूछा ये गया है कि आप बताओ जरा ईमानदारी से कि इंडिया में कौन सा टाइप का रेलवे सबसे ज्यादा प्रमुखतम रूप से यूज किया जाता है। तो आप बोलोगे सर सीएसटी 9, कौन सा जी? सीएसटी 9, वेरी गुड बहुत बढ़िया, चलेगा, तो सीएसटी 9 आपका यूज होगा, ठीक है, रैपिड फायर सेशन है बस। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तुम्हारे लिए फिर से नया क्वेश्चन आ गया, देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर मैं सबका चेक करूंगा भाई, देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है। एक्चुअली मैं इंडियन कंडीशन की बात करूं तो स्लीपर डेंसिटी रहता है N+3 से N+7 रहता है। स्लीपर डेंसिटी का मतलब है कि एक रेल में जो गडर होता है स्टील का, उसमें आप उसके नीचे आप कितना स्लीपर बिछाओगे ये स्लीपर डेंसिटी बोलता है, ठीक है। और N यहां पर होता है डियर स्टूडेंट, N का मतलब होता है रेल का लेंथ, N तुम्हारा जो इंडिकेट करता है ये करता है रेल का लेंथ,
एन तुम्हारा जो इंडिकेट करता है रेल का लेंथ, और ब्रॉड गेज बोला गया है तो ब्रॉड गेज के लिए रेल का लेंथ होता है डियर स्टूडेंट 13 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 13 मीटर। बस हो गया काम खत्म। किसी ने आंसर किया क्या? अक्षय राणा गोस्वामी जी, बहुत बढ़िया जी, सब लोग सही जा रहे हैं। मतलब कि रेल लेंथ हो गया 13 मीटर, स्लीपर डेंसिटी निकालना है आपको तो 13 + 7 हो जाएगा, ये आपको दिया है, जो कि हो जाएगा 20। मतलब कि इसके नीचे आपको 20 स्लीपर बिछाने पड़ेंगे। कितने मीटर की रेल में? 13 मीटर की रेल में आपको 20 स्लीपर बिछाने पड़ेंगे। अच्छा, अभी आपका ट्रैक कितना लंबे बनने वाला है? ट्रैक कितना लंबे बनने वाला है, जल्दी से जवाब करो। ट्रैक आपका लंबा बनने वाला है 910 मीटर का, 910 मीटर का, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर के जस्ट नजदीक। 1000 मीटर का होता है 1 किलोमीटर, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 910 बटे आप ऐसा क्यों नहीं कर देते, तो ये कितना हो जाएगा? ये 70 हो जाएगा सर, क्योंकि हमने, क्योंकि 910 मीटर की दूरी पर आपको रेल बिछाना, और एक रेल की दूरी 13 है, तो टोटली कितना रेल बिछाना होगा? 70 तो हो गए टोटल रेल इतनी दूरी पर, ये टोटल रेल हो गए। बट अब स्लीपर कितना बिछाना है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया है स्लीपर बताइएगा, बोलेगा नंबर ऑफ स्लीपर। तो एक रेल में आपका 20 स्लीपर है क्या? एक रेल में आपका 20 स्लीपर है तो 70 रेल में कितना होगा जी? 70 × 20 तो 1400 स्लीपर। कितना स्लीपर? एक रेल में 20 स्लीपर, तो आपका 70 रेल में, मतलब कि 910 मीटर पर आपका 1400 स्लीपर बिछने वाले हैं। वेरी गुड। मुझे बताओ किसको समझ नहीं आया, किसको समझ नहीं आया, जल्दी से जवाब करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डक्टिलिटी को मेजर आप करते हैं किस यूनिट में, बताएगा किस टर्म्स में आप यूज करते हैं? डक्टिलिटी ऑफ बिटमेन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द टाइम, डिस्टेंस, टेम्परेचर और कलर। बोलो जरा जल्दी से, क्या करोगे आप? बिल्कुल जी, डिस्टेंस के, क्योंकि डक्टिलिटी कौन सा बिटमेन ज्यादा खींचा है, खींचा है का मतलब क्या है? डिस्टेंस मेजर किया आपने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर इज ए पेविंग बिटमिन ग्रेड A35 इज? ग्रेड तो आपने सुना होगा A35, जहां भी आपका A35 लिखा होता है वो किस पेट्रोलियम से लिया गया बिटमिन है, ये पूछा जा रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब लोगों का जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 56, वेरी गुड, आसाम, वेरी गुड, आसाम, सब लोगों को पता है कि आसाम पेट्रोलियम, जहां ए लिखा हो, ए इंडिकेट दी आसाम पेट्रोलियम, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट करते हैं, हाउ कैन वी इंप्रूव द ड्यूटी ऑफ द वाटर, हाउ कैन वी इंप्रूव द ड्यूटी ऑफ वाटर, ड्यूटी ऑफ वाटर को कैसे इंप्रूव करोगे? माना, सपोज दैट, बोलो जरा जल्दी से जवाब करें, ड्यूटी ऑफ वाटर को कैसे इंप्रूव करोगे? अगर आपका कोई चैनल है ऐसा, तो क्या करना पड़ेगा आपको? कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर क्या? नहीं भाई, इसे तो और ड्यूटी घट जाएगी। माना सपोज दैट आपका फील्ड इधर है, ये खेत है, यहां से पानी आ रहा है, अगर वेयर लगा दोगे, कोई बैराज लगा दोगे, पानी पहुंचेगा नहीं, तो आपका ड्यूटी कहां बढ़ी? खत्म हो गई। दूसरा डैम लगा दो, तो वो भी डैम भी एक बैरियर होता है, चेक डैम भी एक बैरियर होता है, तो तीनों ऑप्शन तो वैसे ही घट गए। हाँ, लाइनिंग ऑफ कैनाल कर दोगे तो इससे आपका ड्यूटी बढ़ जाएगा। लाइनिंग का मतलब है कि आपने जो सरफेस है उसको इंपरवियस कर दिया, तो आपका नीचे सीपेज नहीं होगा पानी, जितना आपका सोर्सेज से, वाटर रिजर्वायर से आ रहा आपका पानी, तो उतना आपका पूरा पहुंच जाएगा फील्ड में और बढ़िया से इंप्रूव जाएगा। बोलो बोलो, ज्यादा कहानी नहीं बताते आपको। वेरी गुड। करिएगा आंसर, करो क्विकली।
अभी साउंड आ गया ना, बस आ तो गया साउंड, आप घबराते हो फालतू में। तो डियर स्टूडेंट एक्चुअली में क्या है, गुजरात महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश यहां पर तो आपका सभी जगह पर कॉटन होता है, बट बिहारी है जहां पर आपका नहीं होता है। जैसे कि कॉटन इज जनरली ग्रोन इन द ब्लैक कॉटन सॉइल, मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट आर गुजरात महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना और कर्नाटक। बिहार ही नहीं था बस, फिर भी देखो इतना कहने के बाद भी बी ऑप्शन कर रहे हैं बहुत सारे। देखो दिव्यांश जी बी गलत बात है, ठीक है आपका बिहार ऑप्शन, बट नॉट बोला था ना यहां पर नहीं है, जो बिहार में कहां होता है जी। चलो देखा आपने कहीं बिहार में नहीं है, देखा भी होगा तो बहुत कम क्वांटिटी में देखा नहीं होगा पहले तो। अब देखो जरा यहां पर, व्हाट इज द क्रॉप रेशियो फॉर द खरीफ टू रबी क्रॉप्स, व्हाट इज द क्रॉप रेशियो ऑफ खरीफ टू रबी क्रॉप्स, खरीफ टू रबी क्रॉप्स की बात हो रही है डियर स्टूडेंट, खरीफ टू रबी क्रॉप्स क्या होता है यहां पर जल्दी से बोलो, खरीफ टू रबी क्रॉप्स। इतना आप जरूर जानते हो डियर कि ये इतना आप जरूर जानते हो एक्चुअली में क्रॉप रेशियो होता क्या है, एरिया इरिगेटेड इन खरीफ टू दी एरिया इरिगेटेड इन रबी। तो जितना पानी में आपका खरीफ का फसल हो जाएगा इरिगेट, उसके ट्वाइज एरिया आपका रबी की क्रॉप्स में हो सकता है। तो आप जवाब करोगे जल्दी से, गलती मत करना, गलती मत करना, क्रॉप रेशियो ठीक है ना, समझ गए, गलती मत करना, वेरी गुड। अब कुछ ए कर रहे हैं, बहुत लोगों को कंफ्यूज है, कुछ ए कर रहे हैं कुछ डी कर रहे हैं, ऐसा पाप का है, है? ऐसा पाप का है, नहीं बोलोगे। एरिया इरिगेटेड इन वन रेशियो टू, वन रेशियो टू, वेरी गुड, वन रेशियो टू ठीक है ना, बहुत लोगों को कंफ्यूज है ना, हाँ वन रेशियो टू है उसका, ठीक है चलो खैर। अब इधर देखो, यहां पर कुछ दिख रहा है आपको क्या, मक्का जैसा दिख रहा है क्या? अब तो आप लोग तो खाना खा के आ गए होंगे, आपको तो कुछ लगेगा नहीं यहां पर है। दिल्ली ललचाए हैं। खरीफ क्रॉप्स राइस और मेज, मेज का मतलब मक्का से होता है, ये जो भुट्टा है ये पका हुआ इसको खाओ आप। रबी क्रॉप्स आपका वीट मस्टर्ड है, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बोलना है, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, ये इनकरेक्ट की बात हो रही है ठीक है, इनकरेक्ट का बात करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलें आगे चलें। कौन सा आंसर होगा गलत, ये हो जाएगा आपका मतलब इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट कौन सा है डियर स्टूडेंट, आपका जो इनकरेक्ट है आपका एक्सप्लेनेशन देखेगा यहां पर आपका, ये वाटरमेलन पंपकिन एंड मस्कमेलन कुम्बर, ये सारी चीजें जो है ना आपका जो आंसर है वो जायद क्रॉप्स में आती हैं, ये सारी चीजें जो है जायद क्रॉप में आती हैं ठीक है ना, मतलब कि ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, सी ऑप्शन ठीक है ना। सब लोगों का जवाब सही हो गया, वेरी गुड, आगे बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में जरा जवाब करें जरा अच्छे से, बोला गया व्हाट इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट ऑफ क्लास 4.6, 4.6 का इंडिकेशन क्या जाता है, 4.6 का मतलब मुझे बहुत पसंद है, हाँ बेटा मुझे भी पसंद है। 4.6 का मतलब है डियर स्टूडेंट, ये तो देगा आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बात का स्ट्रेंथ, तो 4 इंटू आप 100 करोगे, तरीका को समझो मेरे साथ, 4 इंटू 100 करोगे तो ये तो देगा आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बट ये नहीं पूछा गया था। तो आपका 4 इंटू 100 करोगे तो ये 400 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आएगा। उसके बाद जब मैं यहां से, अब देखो यहां से हम एफ वाई निकालते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड एफ वाई ऑफ बोर्ड एफ वाई बी, तो हम क्या करते हैं कि यहां से 0.6 का मल्टीप्लाई जो करते हैं, मतलब कि कम होगा ये 0.6 इंटू एफ यू अल्टीमेट स्ट्रेंथ, तो ये आ जाएगा आपका 240 एमपीए ठीक है, ये तरीका ध्यान रखना, बी ऑप्शन, ए नहीं जी, ए नहीं, एफ वाई नहीं पूछा था आपको, पूछा गया था एफ यू बी ठीक है,
FYB सॉरी, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट इज यूज फॉर द, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट जो था, जिन लोगों ने स्टील को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा यहीं से, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट इज यूज फॉर द शियर कनेक्शन, स्लिप रेजिस्टेंट कनेक्शन, बियरिंग टाइप कनेक्शन, और लास्ट में है बोथ स्लिपिंग रेजिस्टेंट एंड बियरिंग टाइप कनेक्शन। तो डियर स्टूडेंट, जो हम हाई स्ट्रेंथ बोल्ट करते हैं, फ्रिक्शन बोल्ट भी उनको बोलते हैं, तो ये होता है हमारा बोथ स्लिपिंग रेजिस्टेंट एंड बियरिंग टाइप कनेक्शन, दोनों के लिए आप इफेक्टिव इसको बोलते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए बेस्ट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इन केस ऑफ द स्टैगर्ड पिच, पिच मे बी इंक्रीज बाय, आपने देखा होगा, बोलो जल्दी से, पिच मे बी इंक्रीज बाय, स्टैगर्ड पिच की बात हो रहा है, जल्दी से बताइएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कहूं कि टेंशन के लिए, तो टेंशन के लिए 16T और 200 करते थे ना आप, इसी में तो आप स्टैगर्ड के लिए इंक्रीज करो, माना स्टैगर्ड पिच और टेंशन में है, तो 16 का हाफ करो 8, और 8 अच्छा 24T हो जाएगा, 200 का 50% से उसको ऐड कर दो, तो 200 का हाफ 100, जोड़ दो उसको 100, तो इस तरह से आप करते थे 24T और 200, इसी तरह से करते हैं आप, तो मतलब कि 50% से आप काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 65 क्वेश्चन। प्लेट गर्डर इज यूज्ड व्हेन द, प्लेट गर्डर को आप यूज करोगे कब और क्यों करोगे, और कब करोगे, किस कंडीशन में करोगे, प्लेट गर्डर को आप यूज करते हैं डियर स्टूडेंट कब, जल्दी से बोलो। जब आपका एक तो स्पान जो होगा काफी बड़ा होगा स्पैन, और दूसरी चीज लोड भी जो है काफी हैवी होगा, तो आपका जवाब सब लोगों का सही हो रहा है, जल्दी से जवाब करें भाई। 16T कंप्रेशन या टेंशन, 16T जो होगा टेंशन होगा डियर स्टूडेंट, 12T जो होता है वो कंप्रेशन के लिए होता है, और याद करने का तरीका भी है, 12T और 16T में जिन लोगों को कंफ्यूज रहता है, तो कंप्रेशन का मतलब है घटना, तो 12T कम है, टेंशन का मतलब है खींचना मतलब ज्यादा है, जिन लोगों को कंफ्यूजन रहता है, इलीगल है तरीका लेकिन अच्छा है, ठीक है ना। Which of the following load are not considered in the design of the gynetic girder? Gynetic girder में किस तरह का load को हम consider नहीं करते normally, उसकी बात हो रही है। तो आप बोलोगे longitudinal load, gravity load, lateral load और wind load। तो आप बोलोगे सर एक ही load है जिसको हम consider नहीं करते हैं, वो है D option। वो है wind load। कौन सा option जी? Wind load। Very good। वो है wind load। चलिएगा next करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसका जवाब करो जरा फटाफट से। फॉर गैनेट्री गर्डर कैरिंग द इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन द लेटरल फोर्स आर इंक्रीज्ड बाय फॉर द इंपैक्ट अलाउवेंस। अब ये तुम्हारा एक तरह से कोडल गाइडलाइंस भी है, तो आप देखते हैं कितने लोगों को पता है ये। ठीक है वेरी गुड। तो आगे आते हैं, यहां पर पढ़ो जरा। फॉर गैनेट्री गर्डर कैरिंग द इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन द लेटरल फोर्सेस आर इंक्रीज बाय 10% ऑफ वेट ऑफ क्रैब फॉर इंपैक्ट अलाउवेंस, ठीक है ना बस। और अगर आप बात करते हैं वेट लिफ्टेड ऑन द क्रेन द वर्टिकल फेस फोर्सेज कैन बी इंक्रीज बाय 25% फॉर द मैक्सिमम स्टैटिक विंड लोड। अभी तो खैर आपको ये वाला पूछा था, कौन सा, इंपैक्ट अलाउवेंस के लिए, इस केस के लिए ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन्स के लिए, तो 10% आपका ये ऑप्शन ही कंप्लीटली सही है ना, चलेगा। यहां पर आप पहचान पा रहे हैं कि कौन सा ग्रेनेटी गर्डर है, कौन सा प्लेट गर्डर है। इस फिगर में आप देखो, इसको देखें आप, ये तुम्हारा कौन सा गर्डर है, ये वाला, इसको बोलो ये तुम्हारा कौन सा गर्डर है, ये तुम्हारा प्लेट गर्डर है भाई, ये प्लेट गर्डर है, ये प्लेट गर्डर है, ठीक है ना, ये वन प्लेट गर्डर है, गैनेटी गर्डर का फिगर ये वाला है, ठीक है। चलो खैर बताओ जरा, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट इज यूज फॉर द, ये कर दिया ना आपने, स्लिप रेजिस्टेंस और बियरिंग रेजिस्टेंस दोनों के लिए आप यूज करते हैं, ये कर चुके हैं आप। क्वेश्चन नंबर 69 जवाब करें जरा बताओ। कॉन्क्रीट एक्सपोज टू द सीवियर कंडीशन है फ्रीजिंग एंड थॉबिंग कंडीशन, आप ध्यान से समझें, ये DFCCL 2018 का आपका प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन भी है, SSC में तो खैर पूछता रहता है इस क्वेश्चन को, तो जवाब करें, आपको एक्सपोजर कंडीशन याद करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन नंबर 69 में जवाब करें डियर स्टूडेंट, बता फट से। बेटा बैड टाइम हो गया, हाँ सही बात बोल रहे हैं, अभी तो आपके 30 क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं तो 100 करा के छोड़ूंगा, बिल्कुल 100 क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन,
वादा किया है तो तोड़ेंगे नहीं, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। तो बताओ इसको बोलेंगे आप मॉडरेट कंडीशन, है ना। फ्रीजिंग और थॉबिंग कंडीशन जो आता है डियर स्टूडेंट मॉडरेट कंडीशन में आता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वादा किया तो तोड़ना पड़ेगा, ऐसा क्या? अरे निभाना पड़ेगा। बोलो नेक्स्ट कंडीशन है डियर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरली कॉज ऑफ द फ्लेक्चुरल कोलैप्स ऑफ द ओवर इन्फोर्समेंट बीम। ओवर इन्फोर्समेंट बीम की बात हो रही है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। जब हम ओवर इन्फोर्समेंट बीम की बात करते हैं तो ये किसकी साइड से फेलियर होता है? ये मेन प्राइम पार्ट यही है। ओवर इन्फोर्समेंट बीम आर फेलियर फ्रॉम विच साइड? बोलो बोलो, जल्दी से जवाब करो। वेरी गुड, ये होगा आपका प्राइमरली कंप्रेशन फेलियर। क्या हो गया ये? क्योंकि आपका पहले ही वो कॉन्क्रीट के साइड से फेल हो जाता है, इसलिए उसको प्राइमरली कंप्रेशन फेलियर बोला जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अब यहां पर आपका ये क्वेश्चन ये बोला गया है, अगर आपको दिख ना रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आपसे पूछ रहा गया है। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट ए ऑप्शन आपको दिखा नहीं है तो माइनस का 105 लिखा है उसने ऊपर, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। जवाब करें कि यहां पर आपका कितना आएगा बेंडिंग मोमेंट, वो बताना है आपको। तो बताएगा जरा क्या करेंगे आपका, ये बीम कुछ इस तरह से है, यहां पर आपका ये यूडियल है 10 किलो न्यूटन का, ये लोडिंग है आपका 3 मीटर का और ये 2 मीटर का। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं किस तरीके से, पॉइंट लोड में चेंज कर दो इसको। 10 × 30 का लोड है, 10 × 3 का लोड 30 किलो का लोड है, 1.5 यहां से और 1.5 यहां से, इनडायरेक्टली ये हो गया 2। तो ये आपका मान लेते हैं कि यहां पर मोमेंट ए आ रहा है, तो समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए लगा दें, इज इक्वल टू 0 करो, तो मोमेंट एट ए एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, नेगेटिव क्लॉकवाइज ये वाला जो लोड लगाएगा, तो 30 गुना कितने का लगा रहा है ये 3.5, ओके 2 + 1.5 तो दैट 3.5, तो ये क्या हो जाता है मोमेंट एट ए दैट इज इक्वल टू 105, ओके। तो आपका ए ऑप्शन जो है सब लोगों का खत्म खत्म। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं 71। क्वेश्चन को पढ़ें जरा ध्यान से, क्या बोल रहे हैं पवन जी, कुछ पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर व्हाई आर्च इज प्रिफर्ड ओवर द बीम गर्डर, सर प्लीज माय बिगेस्ट डाउट, नीड नहीं आएगा अच्छे से। क्या बोल रहे हैं, मैं पूछ देखना चाह रहा हूं क्वेश्चन को। व्हाई आर्च इज प्रिफर्ड ओवर बीम गर्डर, बीम गर्डर देख, ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का पुल है डियर स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि जरूरी हम प्रिपेयर ही करते हैं, ऐसा कभी जरूरी नहीं है, ये मैंने कहीं नहीं देखा है। वो डिपेंड करता है भले, है ना। अब आर्च में कैपेबिलिटी यह होती है कि वो ट्रांसफर कर देता है, वो रिजॉल्व कर देता है कि जो तुम्हारा बेंडिंग होगा वो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट में, जो वर्टिकल जो फोर्स है उसमें ट्रांसफर कर देता है, ये आर्च की खूबी होती है। खैर बताइएगा आर एल ऑफ द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, मतलब कि ये MSL होगा। वेरी गुड, आपको तो आंसर भी याद है, MSL होगा, मीन सी लेवल कहीं होगा रेफरेंस पॉइंट। MSL से तुम्हारा ये जो बिल्डिंग का फ्लोर लेवल है, फर्स्ट फ्लोर है, ये फ्लोर लेवल है, इस यहां पर तुमने इंस्ट्रूमेंट को, ये तुम्हारा हाइट जो है ये कितना है आर एल इसका, ये है सर 70.4, इससे कोई मतलब नहीं। यहां पर तुमने इंस्ट्रूमेंट सेट किया लो, ये पहली रीडिंग जो मिली आपको ये हाइट, ये कितना मिला, ये मिला सर 1.625। अब ये क्या बोल रहा है, स्टॉप रीडिंग व्हेन इट इज हेल्ड इन्वर्टेड टचिंग द सेंटर सीलिंग ऑफ द हॉल। हॉल ये है, सीलिंग आपका हॉल का ये है, वहां से इन्वर्टेड इसको उल्टा रखा तो ये रीडिंग जो मिली इसको, ये मिली 2.8। अब बोल रहा है हाइट बताओ, पूरा हाइट बताओ जल्दी से किसका, बोल रहा है देन हाइट ऑफ द सीलिंग अबव द फ्लोर, ये हाइट बोल रहा है, दोनों को जोड़ दो भाई, जोड़ दो 1.625, इसमें जोड़ दो आप 2.87, इनमें जोड़ दो। अगर आपको कभी आरएल पूछा जाए ना सीलिंग का, तो तीनों को जोड़ देना फिर 74.4, 1.625 और 2.87। अभी तो कल केवल आपको हाइट पूछा था, ये हो गया आपका सी ऑप्शन, ठीक है ना, सी ऑप्शन कंप्लीटली सही हो जाएगा। सबको समझ आया क्या, ठीक है ना, सही है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द ऑब्जर्व्ड फोर बियरिंग ऑफ द लाइन एक्स वाई इज 160 degree 26 minute, मतलब कि फोर बियरिंग का मतलब कुछ ऐसा है, फोर बियरिंग का मतलब कुछ ऐसा है, ये डिग्री कितना है 16 degree है भैया, ठीक है ना, इसको सही कर देना, 16 degree 26 minute है, ठीक है ना, ये मुझे तो क्वेश्चन भी याद हो गया, अब इतनी बार कराया होगा आपको, 16 degree 26 minute।
बोल रहा है बैक बियरिंग क्या होगा। तो बैक बियरिंग मतलब ये एंगल, तो बैक बियरिंग का मतलब आपको 16 डिग्री 26 मिनट में आपको 180 जोड़ना है, बस खत्म कर दो। क्योंकि आपको पता है कि ये एंगल कितना है, क्योंकि आपको पता है कि ये एंगल 180 डिग्री है और इतना एंगल आपको पता ही है कि ये इतना एंगल ही होगा, 16 डिग्री 26 के बराबर हो, तो दोनों को जोड़ दो ना, ये हो जाएगा 196 डिग्री 26 मिनट। वेरी गुड, नेक्स्ट चल रहे हैं, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब करें। इफ आ स्क्वायर ऑफ द साइज, कोई स्क्वायर है जिसका साइज है 4 मीटर × 4 मीटर इज रेस्टिंग ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिपोजिट ऑफ द अबव द क्ले, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग एज पर टर्जागी इक्वेशन, द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सैचुरेटेड क्ले। बताओ जरा अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो कितने लोगों को पता है? क्वेश्चन नंबर 73 नहीं पता है, चलो मैं बता देता हूं। देखो क्या है यहां पर, कैसे तरह से करोगे, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्क्वायर फुटिंग एज पर टर्जागी, दिस इज इक्वल टू क्यू अल्टीमेट 1.3 सी एन सी, फॉर द क्ले एन सी विल बी 5.7 कोहेशन क्ले के लिए, देन द 1.3 × 27 × C का वैल्यू दिया था उसने क्वेश्चन का, NC का वैल्यू रख दिया, तो ये 200 KPa आ चुका था आपका आंसर। तो आपने आंसर किया था, किसी ने, किसी ने नहीं किया ना, तुक्का मारा ना, बी आ रहा है ना, सी कैसे होगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब करें। जवाब करो जरा फटाफट से, क्लास को शेयर कर दो एक बार धमाकेदार तरीके से। ऑयल इज फ्लोविंग थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ द डायमीटर 50 mm, इफ द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर द लेमिनार फ्लो इज 0.008। आपको रेनॉल्ड नंबर का एक रिलेशन पता हो शायद, फ्रिक्शन फैक्टर और रेनॉल्ड नंबर का एक रिलेशन याद है क्या? एक रिलेशन है, पुराने रिश्ता है इनका दोनों का, और वो पुराना रिश्ता क्या है जरा जल्दी से जवाब करो, वो है सर 64। एक्चुअली में हम क्या करते हैं कि रेनॉल्ड नंबर दिस इज इक्वल टू 64/R, मतलब कि फ्रिक्शन फैक्टर एफ इज इक्वल टू 64/R, ये है फॉर्मूला, ठीक है ना, ये है फॉर्मूला डियर स्टूडेंट। तो बस वही किया हमने, तो 800 आपने निकाल दिया आंसर बढ़िया से, 800 कितनों ने किया था आंसर, कितनों ने किया था, किसी ने नहीं किया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है द बियरिंग कैपेसिटी, द बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी एज सोन बिलो, बिलो नहीं है बल्कि ऊपर है, अबव कर दो यहां पर, अबव इज रिप्रेजेंटेड इन द रिड्यूस बियरिंग। बोलेगा कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है आपको बियरिंग को दिखा रहा है यहां पर, जल्दी से बोलेगा, क्या आपको ये रिड्यूस बियरिंग में दिखाना होगा क्या? और ये ऐसा एंगल, मतलब कि साउथ से गए और ईस्ट के ले गए, साउथ से गए और ईस्ट के ले गए, और कितनी डिग्री पे गए जी, 30 डिग्री पे गए, तो आपका आंसर होना चाहिए था खत्म। हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 76 में जवाब करता हूं मैं। बोलेगा जी आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फाउंडेशन बिलो, कौन सा फाउंडेशन आपको ये दिख रहा है वो आपको दिखाना है, आप फिगर को देखें और उसी से जवाब करें कि किस टाइप का फाउंडेशन है ये, बताओ जरा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाउंडेशन बिलो, किस टाइप का फाउंडेशन है वो आपको दिखाना है, बताएगा, वेरी गुड। माय कंप्लीट क्वेश्चन, व्हाई आर इज प्रिपेयर्ड ओवर बीम, हाँ एफ ओ बी, चलो इसका लास्ट मुझे याद दिला देना, अभी 100 क्वेश्चन पहले पूरा कर लेते हैं भाई, पहले टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तो ग्रिलेज फुटिंग पर बात करेंगे यहां पर, तो सी हो जाएगा आपका खत्म आंसर, ठीक है ना, सी हो जाएगा। अच्छा, व्हाट शुड बी द एवरेज हाइट ऑफ द प्लिंथ, प्लिंथ तो आप सभी लोग समझते हैं ना, प्लिंथ समझते हो क्या, 79 में जवाब करें, तो प्लिंथ का नॉर्मली हाइट का रेंज क्या होता है ये आपको जवाब करना है, जल्दी से जवाब करें जरा फटाफट से, बोलो ए बी सी डी बोलो। बहुत बढ़िया भाई, कुछ लोग सही में शुरू से हैं भाई,
ठीक है ना, कुछ लोग जो है शुरू से हैं क्लास में रियल में, तो चलेगा 300 से 450 एमएम, ऑब्वियसली आपको फायदा करेगा जो लोग शुरू से हैं और मेहनत कर रहे हैं। इसमें आप जवाब करें कि किस टाइप का फाउंडेशन है डियर स्टूडेंट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाउंडेशन, बोलेगा सिंपल पैड फुटिंग, स्टेप्ड फुटिंग या स्टेप्ड पैड फुटिंग। तो स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमें पता है कि यहां पर आपका ऊपर से प्रेशर आना है, क्रॉस सेक्शन है भाई, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल व्यू है, प्लान आप देख रहे हैं, टॉप व्यू आपको ये दिख रहा है, ये वाला है टॉप व्यू, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ठीक है। अब यहां से जो प्रेशर आएगा इसका डिस्पर्सन हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि पी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो जैसे जैसे एरिया ऑफ डिस्पर्सन बढ़ेगा वैसे वैसे नीचे बेस में आपका प्रेशर रिलीज होता जाएगा, ठीक है ना। तो आपका डी ऑप्शन जो हो जाएगा कंप्लीटली सही हो जाएगा। ये क्या चीज है, ये आज सुबह मैंने बीएमसी का जब क्लास कराया था, 50 टॉप क्वेश्चन मैंने आपको बीएमसी के कराए थे, वहां पर मैंने ये कराया था, जरा देखते हैं कितने लोग क्लास में थे सुबह में, उनका तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 81, जरा बताओ कितना मेमोरी है आपका, क्या है ये, स्क्वायर, स्पॉल्समर, मैलेट है, ट्रॉवेल है, क्या बोलेंगे जी, ये तो मजदूर भी बता देगा अभी, है ना, बता देगा, नहीं तो आप गलती मत करना। तो ये हो जाएगा आपका करनी, करनी बोला जाता है इसको, ठीक है ना, ट्रॉवेल, ट्रॉवेल इसको कहोगे, वेरी गुड, इसको क्या बोलेंगे, ट्रॉवेल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला जा रहा है, जल्दी से बोलो क्वेश्चन का जवाब करें आप फटाफट से, 82 में जवाब करें, बोलो विच इज अ मार्क ऑफ द डेप्थ अबाउट द 10 mm टू 20 mm, मतलब कि 1 cm से 2 cm बोल सकते हैं, विच इज प्लेस्ड ऑन द फेस ऑफ द ब्रेक टू अ फॉर्म अ की ज्वाइंट फॉर द होल्डिंग द मोटर। अरे याद नहीं है क्या, भूल गए क्या, कितनी बार मैंने बता दिया होगा आपको, ये लो ब्रिक बना दिया, यहां पर इसकी बात कर रहा है, बताया था आपको फ्रॉक का साइज 10 × 4 × 10 का मतलब लेंथ है, 4 का मतलब विड्थ है, और ये 1 से लेकर 2 cm का ये डेप्थ है। तो आप बोलोगे सर ये तो फ्रॉक की बातें हो रही थी, है ना, ये बातें हो रही थी फ्रॉक की, वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। द टर्मिट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वुडन मटेरियल आर प्रॉपरली नोन एज, टारगेट हमारा अचीव होने वाला है, बस 15 क्वेश्चन और हैं, बस 15 क्वेश्चन लगभग और हैं, 100 क्वेश्चन पर पहुंचने वाले हैं, वेरी गुड। बोलेगा द टर्मिट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वुडन मटेरियल आर प्रॉपरली नोन एज, क्या बोलोगे इसको सर, व्हाइट आंट, व्हाइट आंट, वेरी गुड, जो टर्मिट है, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका टर्म व्हाइट आंट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, विच इज द फ्लेक्सिबल, विच फ्लेक्सिबल मटेरियल विच इज कॉमनली यूज फॉर द डैम्प प्रूफिंग डीपीसी, डैम्प प्रूफिंग के लिए नॉर्मली जब सबसे ज्यादा कॉमनली यूज कौन सा आप करते हैं, एक फ्लेक्सिबल मटेरियल, आप बोलोगे जरा जल्दी से जवाब करें, बिल्कुल जवाब करें फटाफट से, तो आप बोलोगे सर ये होगा आपका हॉट बिटमिन, क्या बोलोगे, जवाब करो समय के अंतराल में, ए ऑप्शन, वेरी गुड, एक सेकेंड, हाँ हॉट बिटमिन, इसको क्या बोलेंगे, हॉट बिटमिन, ठीक है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर है, देखो जरा ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ब्रिक इज मेड फॉर, बोलो बोलो कोई दिक्कत नहीं, जैम्प ऑफ द डूअर्स एंड विंडोज, बोलो जरा क्या जवाब करोगे, हाँ जवाब करो जी क्या होगा, कैंट ब्रिक इसको बोला जाता है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, कैंट ब्रिक कैसा होगा, ये देखो कैंट ब्रिक आपका ये है, देखो जरा ध्यान से, पर्पज ऑफ दिस ब्रिक आर दोज मेड टू अचीव अ स्पेसिफिक पर्पज, दे कैन बी स्प्ले और कैंट आर्च ऑर्नामेंटल एक्सेट्रा, दे आर कॉस्टली बट हेल्प इन द क्विक कंस्ट्रक्शन, एक डबल कैंट होता है, एक सिंगल कैंट होता है, ठीक है ना, हाँ चलेगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। इस फिगर में आपको जवाब करना है डियर स्टूडेंट, ये फिगर आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताओ, जवाब करो, जवाब करो जी जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 87, अभी आपका स्पीड घट गया भाई, थक गए क्या, हैं बस
टारगेट अचीव होने वाले, उसके बाद सोना ही तो है, मस्त करके सो जाओ, 100 क्वेश्चन के बाद सोना ही तो है। कल फिर भी आप, कल तो आपकी छुट्टी है, कल मस्त अपना सोए रहो, रिलैक्स रहो, है ना। परसों फिर से क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसको बोला जाता है बुल नोज ब्रेक। क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट? बुल नोज ब्रेक, वेरी गुड। डी ऑप्शन सब लोगों का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो निकाला होगा, जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं ब्रिक पर, ठीक है, वहां की बात हुई है ये। व्हाट इज द लोडिंग रेट यूज इन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑन द ब्रिक? ब्रिक का टेस्ट है ये, तो बताएगा जरा यहां पर क्या जवाब आप करोगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखो भाई साहब को भूख लग गई अनंत आर्यन जी को भूख लगे, जल्दी जल्दी कराओगे, भूख लग गए क्या बेटा? मैंने भी कुछ नहीं खाया अभी, समझ रहे हो, दिन से। हाँ, ये हो जाएगा आपका 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पर मिनट, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है कि जब आप ब्रिक का, ब्रिक को आपको इतना तो पता है कि लेंथ होता है 19, है ना, 19 मतलब कि 190 cm, 190 cm, 9 और 9। इसमें कुछ टॉलरेंस लिमिट दिया है विड्थ में और लेंथ में, कितने का दिया है जल्दी से जवाब करो। वेरी गुड, कितने का लंब दिया है? तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं इसका, सीधे एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखो, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक लेंथ 190 mm, आप बखूबी से जानते हैं कि 19 cm जिसको कहते हैं, विड्थ की बात किया जाए तो 9 cm। इसमें क्या है कि लेंथ में आपको प्लस माइनस का 6 mm का टॉलरेंस दिया है और विड्थ और हाइट में 3 mm का, प्लस माइनस 3 mm का टॉलरेंस दिया है। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा आपका, अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, इसको आपको याद रखना है, ये हो जाएगा आपका टॉलरेंस लिमिट प्लस माइनस 6 mm और प्लस माइनस 3 mm, ठीक है। चलिएगा, प्रोसेस ऑफ द नीडिंग ब्रिक अर्थ इज कॉल्ड एज, बोलिएगा प्रोसेस ऑफ द नीडिंग ब्रिक अर्थ इज कॉल्ड एज, क्या बोलोगे इसमें? पगिंग, ब्लेंडिंग कहोगे, रैमिंग कहोगे या टेम्पिंग कहोगे? इस प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं, मतलब कि ब्रिक का जो सॉइल है, अर्थ है, उसको गूंदने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है? तो जल्दी से जवाब करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 91, बोलिएगा जरा जल्दी से, प्रोसेस ऑफ द नीडिंग ऑफ द ब्रिक अर्थ इज कॉल्ड एज, क्या बोलोगे इसको? है नहीं बोलोगे कुछ? इसको क्या बोला जाता है? पगिंग बोला जाता है इसको, ठीक है। पगिंग और टेम्परिंग इज डन बाय द एडिंग वाटर टू द ब्रिक अर्थ सॉइल एंड नीडिंग अंटिल द होमोजीनियस मास एंड रिक्वायर्ड प्लास्टिसिटी इज अटेंड, आप पगिंग कहोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सैंडी सॉइल के लिए बात हो रहा है। मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट शुड नॉट एक्सीड इन mm इन केस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ सैंडी सॉइल ऑन सैंडी सॉइल, ये ध्यान रखना, सैंडी सॉइल है भाई एग्जाम्पल, बस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सैंडी सॉइल की बात हो रही है जी, तो सैंडी सॉइल के लिए डियर स्टूडेंट 25 mm होता है क्या? वेरी गुड, डी ऑप्शन कंप्लीटली सही हो जाएगा। 93 क्वेश्चन, अब क्ले सॉइल को भी क्यों छोड़े हम, जब सैंडी सॉइल को पढ़ा है तो क्ले सॉइल को भी पढ़ लेते हैं। वेरी गुड, मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट शुड नॉट एक्सीड mm इन केस ऑफ द फाउंडेशन ऑन द क्ले सॉइल, आप बोलोगे जरा क्ले सॉइल के लिए बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 93, फटाफट से जल्दी से बोलो, 93 का जल्दी से जवाब करो। वेरी गुड, ये हो जाएगा क्या? ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया, 40 हो जाएगा, 40 mm, बहुत बढ़िया, डायनमो सबसे पहला आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आपको यह पूछा गया है, आइडेंटिफाई द मेथड गिवन बिलो फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द बियरिंग पावर और बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मतलब कि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के लिए कौन सा टाइप का आपने टेस्ट किया हुआ है? तो आप जवाब करें, सर एक ही तो टेस्ट हमने किया है। हाँ, तो यह हो जाएगा आपका प्लेट लोड टेस्ट मेथड। क्या हो जाएगा? प्लेट लोड मेथड, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका प्लेट लोड टेस्ट मेथड। वेरी गुड, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द विलो इज यूज टू साउंड प्रूफ ब्रिक, साउंड प्रूफ ब्रिक बनने के लिए एक इंग्रेडिएंट यहां पर यूज होता है, कौन सा? साउंड प्रूफ ब्रिक बनाना है आपको, तो उसके में से उसके लिए कौन सा आप इंग्रेडिएंट यहां पर यूज करते हैं? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही, शुरुआत करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि 100 क्वेश्चन जो भी होंगे वो सब आपके मॉडरेट लेवल के हैं और इजी लेवल के हैं, मैंने पहले कह दिया था, ठीक है ना। जब भी मैं कभी भी आपको थोड़ा हार्ड सेशन लेके आता हूं, अच्छे क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस के और गेट के क्वेश्चन, तो मैं पहले डिक्लेयर कर देता हूं कि आज क्वेश्चन भाई टफ होंगे, और इजी सेशन है तो मैं वो भी पहले डिक्लेयर कर देता हूं, है ना, पहले तो डिक्लेयर कर देता हूं। तो टेराकोटा आपका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा सच सच बताओ बेटा, कौन कौन जो है 5-4 रोटी मार के आ गया है?
क्या बोल रहे हैं विनय जी, बहुत परेशान है, क्या बोल रहे हैं? पैट क्वालिफाई होने के बाद ही यूपी इरीगेशन जेआरपी। देखो यार, मुझे भी इसका कंफर्म नहीं है बेटा ना, मैंने इनसे अपने स्टूडेंट गौरव दुबई से भी ये बात पूछी थी, अभी शायद कंफर्म नहीं है। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के लिए शायद कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। नॉन टेक्निकल वाले लोगों के लिए तो है, लेकिन इंजीनियरिंग वाले स्तर के लिए है या नहीं है इसके मैं खुद कंफर्म नहीं हूं, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा सच्ची में। तो चलेगा यहां पर, ये वैसा होना नहीं चाहिए यार, है ना। चलो सर, ये हो जाएगा आपका 33 से 35, क्योंकि 40 mm का वो मॉड होता है, तो टॉप से देखा जाए तो टॉप से वो होगा 30 से 35 mm, और बॉटम से हो जाएगा वो 5 से 7 mm पेनेट्रेट होता है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कंप्लीटली सही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीमेंट आर दियर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ सेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसका आंसर करें जरा जल्दी से। वेरी गुड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीमेंट आर दियर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द सेट, एबिलिटी टू द सेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कितना टाइप का होगा जी? देखिएगा, मिस्टर राणा जी ने 3 ऑप्शन किया है, और लोग भी करो भाई, जल्दी से जवाब करो। 2 कर रहे हैं समी जी, 97 में ए कर रहे हैं, बहुत लोगों ने ए किया है, कई लोगों ने कुछ और भी किया, अक्षय राणा ने बोला है 33, 43, 53। तो कंफ्यूज होने का था इसमें चांस है, इसीलिए मैंने इस कंफ्यूज को आपको दूर कर देता हूं। देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीमेंट, हाइड्रोलिक एंड नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। हाइड्रोलिक सीमेंट आर सेट एंड बिकम्स एडेसिव ड्यू टू द रिएक्शन विद वाटर। नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट डज नॉट सेट अंडर द वाटर। आप 33, 43 किस बेस पर कह रहे हैं भाई? यहां ग्रेड के बेस पर ओपीसी कहीं लिखा है क्या? आपको डायरेक्टली सीमेंट का क्लासिफाइड किया, और साथ साथ ये भी लिखा है एबिलिटी टू सेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रोलिक और नॉन हाइड्रोलिक, बीएमसी का क्लास जिन लोगों ने किया हो ना, पहली क्लास का क्वेश्चन है ये। आप बोलोगे ए ऑप्शन, 10 बजे मेरा क्लास होता है जो। चलिएगा, विच पेयर ऑफ द कंपाउंड एंड कलर्ड सीमेंट मेंटेन बिलो इज रॉन्ग। एक्चुअली में जब हम बनाते हैं कलर्ड सीमेंट, तो अलग अलग पिगमेंट हम यूज करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो कौन सा पिगमेंट क्या कलर बनाता है सीमेंट के लिए, वो आपको याद रखना होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको ले जा लेता हूं यहां पर। कोबाल्ट इंपार्ट द ब्लू कलर। कोबाल्ट क्या कर रहा है? नीला कलर देता है। आयरन ऑक्साइड आपको ब्राउन दे देगा, रेड दे देगा, येलो दे देगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड दे देगा आपको ब्राउन, ब्लैक और कलर सीमेंट। तो क्या बोला जी? कोबाल्ट क्या दे रहा है? ब्लू कलर। तो गलत कौन सा हुआ? ये हो गया ना, गलत बोला था, रॉन्ग बोला था यहां पर। देखो रॉन्ग हो जाएगा जी बी ऑप्शन। अभी भी गलती कर रहे हैं, देखो इतना पढ़ने के बाद फिर से वही कहानी, पूरी रामायण पढ़ ली, लास्ट में बोलते कि सीता किसके पिताजी हैं। ये बताओ जी, बोलो हैं? पहुंचने वाले हैं लास्ट हमारा 99। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोजोलोनिक मटीरियल। मतलब कि कौन सा मटेरियल ऐसा है जो पोजोलोनिक बिहेवियर नहीं देगा, ये पूछा गया है। तो जरा जवाब करें, जरा फटाफट से जवाब करें, जरा दमादम। कौन सा है, कौन सा है पोजोलोनिक मटेरियल? ऐसा कौन सा है जो आपका बिहेवियर नहीं देगा, पोजोलोनिक बिहेवियर नहीं देगा? ये है डियर स्टूडेंट सिंडर। सिंडर, दिस इज द वेस्ट, दिस इज द डस्ट ऑफ द कोल। कोल का जो वेस्टेज होता है, डस्ट होता है, उसको बोला जाता है सिंडर। तो ये हमारा एक पोजोलोनिक बिहेवियर, पोजोलोनिक मटेरियल नहीं है। तो सी ऑप्शन आप कहोगे, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, जल्दी से जवाब करो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत लोगों को इसका जानकारी नहीं रहता है। और एज अ इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर, आप डिप्लोमा डिग्री जो भी हैं, आपको ये आंसर पता होना ही चाहिए। आप एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर कभी हैं, तो आपको ये पता होना ही चाहिए एटलीस्ट। तो देखते हैं कितने लोग हैं भाई इस क्वेश्चन को आंसर देने वाले, जो खैर क्लास में रहा होगा मेरा, तो जवाब करेगा जरूर, करेक्ट करेगा। शतक, 100वें क्वेश्चन पे गलती मत करना। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शतक मार रहे हम। ग्रेड 43 ओपीसी शैल बी रिजेक्टेड इफ इट रिमेन्स इन बल्क स्टोरेज इन द फैक्ट्री फॉर दी। बोलो जरा जल्दी से, बोलो जोर से, बोलो जल्दी से, बोलो बताओ। मोर देन 6 मंथ, देखिएगा करण जी ए ऑप्शन कर रहे हैं 3 महीना, अश्वनी सी ऑप्शन, राधे जी ए ऑप्शन कर रहे हैं, करण ए ऑप्शन, और लोग भी कर रहे हैं क्या? मतलब कि कुछ लोगों का सी आ रहा है, कुछ लोगों का, मतलब कि 2 ही आंसर केवल रिपीट हो रहे हैं, एक आपका ए ऑप्शन 3 महीना, और एक है सी ऑप्शन, है ना। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है वो है
6 महीना। अगर आप जानते हैं इस बात को कि जैसे जैसे सीमेंट का स्टोरेज बढ़ता है, सीमेंट का एज बढ़ता है, वैसे वैसे स्ट्रेंथ घटती है। इसका जस्ट उल्टा कंक्रीट में, कंक्रीट की एज बढ़ती है तो स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, समझ रहे हैं, एज के साथ जस्ट उल्टा है। अब इसका कारण बहुत सारे हैं। आप बोलेंगे क्या सीमेंट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है सर, ऐसी नाइंसाफी कि जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ रही है उसकी स्ट्रेंथ घट रही है। जैसे इंसानों के साथ भी तो यही होता है, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हम अभी 25 में है, 30 में है तो हमारी बहुत एनर्जी है, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी एनर्जी खत्म, ऐसे सीमेंट में भी है। इसका बहुत सारे कारण है। माना हो सकता है कि आपके स्टोरेज जहां पे रखा है वो क्या पता उसमें मॉइस्चर आ गया हो, लम्स हो गए हो, हाइड्रेट करना शुरू हो गया तो वो स्ट्रेंथ को घटा देगा, है ना। बहुत सारे और भी एडिशनली कॉजेज हैं। तो ये कहा गया है कि नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कि 6 महीने से ज्यादा अगर है स्टोरेज, ग्रेड 43 जो कि इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सीमेंट है, तो ये हो गया आपका 53 और 33 नहीं होता उतना यूज, ठीक है, 43 नॉर्मली मॉडरेट कंडीशन वाला यूज होता है। तो होप सो आपको ये सेंचुरी आज की पसंद आई हो, और इस सेंचुरी से आपने ये 100 क्वेश्चन जरूर थे, लेकिन इस 100 क्वेश्चन के साथ आपका कई सारा छुपा हुआ ज्ञान और भी आपको मिला। बहुत सारी एडिशनल चीजें मैंने देने की पूरी कोशिश करी इनके साथ साथ। ऐसा नहीं कि आपने 100 क्वेश्चन आपने पूरे किए। वेरी गुड, वेरी गुड। कल नहीं है, कल छुट्टी है, कल संडे है ना, परसों सोमवार को होगा, ठीक है, संडे को आपका छुट्टी रहेगा। कल का दिन आप पूरा बढ़िया से रिलैक्स करें, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन रिलैक्स रहना रहे, चीट डे होना चाहिए, और सोमवार से फिर लगते हैं काम पर दमाकेदार तरीके से, ठीक है ना। तो मेरा जो क्लास होता है डियर स्टूडेंट, बहुत लोग तो क्लास में रहते नहीं, एक सुबह में होता है, ठीक है ना, सुबह में एक 9 बजे 10 बजे होता है, बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का, जिसमें कि सीमेंट मैंने खत्म कर दिया, बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम कर दिया सीमेंट का, उसके क्वेश्चन भी किए, ब्रिक को बहुत अच्छे से कर लिया, थ्योरी मैंने पढ़ाया है, उसके क्वेश्चन भी किए हमने, आप जान सकते हैं वीडियो में जाके, प्लेलिस्ट में जाइए हमारा। 5 बजे मेरा एक और क्लास होता है जिसमें कि पूरा ऑब्जेक्टिव क्लास होता है मेरा, ठीक है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ अब घर जाना है सर को, बिल्कुल यार, अब मुझे अब घर जाना है, सही में मैं तो अब जाऊंगा घर सोने। अनुज चौधरी सर भी आ रहे हैं, देखो हमारे गुरुजी, गुरुजी खा रहे हैं घर में आराम से, मजे से। चलो बेटा, चलो तो बाय करता हूं मैं आप सभी लोगों को। इसी तरीके से जो हम जो भी नया नया कुछ आपके लिए करते हैं, नया सेशन लाते हैं या कुछ भी एक्टिविटीज, उसमें भरपूर तरीके से आपका सहयोग चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, यही हमारे गुरु, आपके गुरु दक्षिणा है। भरपूर सहयोग करो जिससे कि हम मोटिवेट रहें कि हाँ भाई आप लोग हैं हमारे साथ, है ना। चलिएगा, तो चलते हैं, कोई बात नहीं डियर, मेरे पास बड़ी गाड़ी है तो मैं उससे चले जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता, वैसे भी दूर तो है डियर, ज्यादा दूर तो नहीं है, खैर है ही, खैर छोड़ो। तो डियर स्टूडेंट, गुड नाइट टू ऑल, सभी लोगों का एक बार फिर से दिल से शुक्रिया बने रहने के लिए, और होप सो आपने कुछ सीखा होगा आज के सेशन से। इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग सेशन और कुछ सीखने वाले सेशन आपके लिए लाते रहेंगे। हाँ चलो, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल, वेरी गुड।